हेलो बच्चो मायसल तारा टीम मैथ सी एल सी सीकर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मैथ कैम का टेस्ट नंबर इलेवन का सॉल्यूशन सो ये जो टॉपिक है हमारा ये है इलिप्स एंड हाइपरबोला इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर रहेगा हमारा हमारा सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन इस पेपर का क्या है देखिए यहाँ पर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि पी इज एनी पॉइंट On the ellipse, this and Q and R are the two points. If P1 and P2 are the length of the perpendicular from Q and R on the tangent at P, then P1 square plus P2 square. देखिए, ये जो ellipse है हमारे पास में, सबसे पहले इसके ऊपर एक general point लेते हैं और इसके ऊपर tangent की equation की बात करते हैं parametric format में। So यहाँ पर इसके ऊपर जो general point होगा हमारा वो क्या होगा? That is root 8 cos theta, comma टू साइन थीटा ठीक है ना दैट इज पॉइंट पी और इस पॉइंट पी के ऊपर अगर टेंजेंट की बात करें सो दैट इज टीवल टू जीरो सो टी इक्वल टू जीरो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा देखिए सो दैट इज एक्स एक्स वन कट जाएगा सो कॉस थीटा डिवाइड बाय रूट एट प्लस वाई साइन थीटा टू कट जाएगा अगेन दैट इज डिवाइड बाई टू विल बीवल टू वन तो इसके ऊपर ये जो दो पॉइंट्स है हमारे पास में Q विल बी जीरो आर विल बी जीरो माइनस टू इन दोनों पॉइंट से क्या करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है सो चलिए बात करते हैं कि क्या आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस Q एंड R से सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट Q से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसके ऊपर सो दैट विल बी इक्वल टू P1 एंड साथ में बात कर लेते हैं P2 दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं सो पी वन कितना आएगा देखिए यहां पर ये आ, जीरो पुट करेंगे तो पहली टर्म जीरो हो जाएगी सो सेकंड टर्म टू साइन बाय टू सो दैट साइन थीटा माइनस वन डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एट प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा फोर अच्छा हमें पी वन पी टू पूछा है या पी वन पी पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर पूछा है ना इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूछा गया है सो एक काम करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका रूट यहां से हट जाएगा सिमिलरली स्क्वायर निकालते हैं, है, तो so यहाँ पे so इधर आएगा प्लस हो जाएगा और डिवाइड बाई अगेन रूट के अंदर आएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एट प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई देखिए दोनों इन डिनोमिनेटर सेम है सो ले, ले लेते हैं और साथ में एट को भी एलसीएम ले, ले लेते हैं सो देखिए एट आ जाएगा ऊपर ठीक है ऊपर क्या है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा प्लस वन साथ में आगे वाली टर्म में साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टू साइन थीटा नीचे कितना आएगा नीचे की बात करते देखो एलसीएम लेंगे सो एट

So so, साइन में कन्वर्ट क्यों किया क्योंकि ऊपर वाली ट्रम साइन में थी तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा आंसर प्लस पी टू स्क्वायर इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास में 16. ऐसा दिया गया है, मैं देखो कौन सा ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर टू जो सही है ठीक है सो सेकेंड ऑप्शन आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सही होगा क्लियर है चले फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर टू क्या है क्वेश्चन नंबर टू आइए बात करते हैं लेट पी बी ए आर्बिट्री पॉइंट ऑन द इलिप्स दिस सपोज एफ वन एंड एफ टू आर दी फोकाई ऑफ द इलिप्स देन लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल पी एफ वन एफ टू देखो पी इसके ऊपर कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट है सो so इसके ऊपर जब भी कोई आर्बिट्री पॉइंट लोगे तो क्या आएगा बच्चों ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा ठीक है theta, ना इलिप्स के ऊपर कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट अगर आपको लेना हो साथ में देखो आपको क्या दे रखा है तो की कितनी होगी बच्चों एफ वन एंड एफ टू दीरो और एफ टू आ जाएगा बच्चों हमारे पास में माइनस ए कोमा जीरो इन तीन पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल के सेंट्रोइड का लोकस आपको निकालना है तो मान लिया कि सेंट्रोइड कितना है बच्चों ह, के, सो ह, के से आ, और इसके रिलेशन की बात करें तो क्या होगा देखो एच बराबर ए थीटा प्लस ए माइनस ए डिवाइड बाई थ्री तो ये कट जाएगा साथ में ही के के अंदर देखो क्या रिलेशन आएगा के विल बी इक्वल टू बी sin थीटा डिवाइड बाय 3 ठीक है अब देखो अपने को करना है क्या है यहां से sin थीटा cos थीटा को हटाना है वापस और h k में रिलेशन निकालना है तो एक काम करते हैं उस 3h को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइड बाय a इसका होल स्क्वायर प्लस ऐसे यह सेम यहां पे करते हैं 3 को इधर मल्टीप्लाई किया 3k डिवाइड बाय b का All will be equal to. तो यहाँ तो क्या बचेगा देखो थ्री एच बाई ए मल्टीप्लाई कर दिया ए को नीचे बचा कॉस थीटा so, और यहाँ पर बचेगा साइन थीटा और यही हमने इसीलिए किया था ताकि ये कितना हो जाए? हो जाए. ठीक है? और से देखो थ्री एच स्क्वायर थ्री एच बाई ए का होल स्क्वायर प्लस थ्री के बाई बी का लिखा हमने एच के को एक्स वाई से रिप्लेस किया सो नाइन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर Uh, बहुत सारे बच्चों को पर देख के ये लगता है कि नाइन नाइन सेम आ रहा है इसलिए सर्कल होगा लेकिन देखो बच्चों नीचे ए और तो आ रहा है, और ए और बी आपके पास में कैसे हैं ठीक है ए आपको दिया गया है से बड़ा ठीक है ना और बी जीरो से बड़ा है मीन ए और बी दोनों डिफरेंट है इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉम्पिशन डिफरेंट है और दोनों का साइन पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में वन है तो ऐसा कहाँ पे होता है बच्चों एक दीर्घ वर्थ के अंदर होता है तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा इलिप्स

तो वो पॉइंट आएगा हमारे देखो अगेन ए कॉस थीटा सो ए कितना है हमारे पास में थ्री और कॉस 45 की वैल्यू होती है बच्चों रूट टू सो थ्री बाई रूट टू एंड बी साइन थीटा दैट इज टू बाई रूट टू ठीक है सो इस पॉइंट के ऊपर हमें इस इलिप्स के लिए क्या करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करनी है वाई स्क्वायर बाई ठीक है Uh, उसके बाद में वहां पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे ठीक है और उस, उसके बाद उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है सो so, चलिए अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ रही है ठीक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए टीवल टू जीरो लगाते हैं देखो एक थ्री कट जाएगा सो एक्स डिवाइड बाई थ्री रूट टू प्लस वाई डिवाइड बाई टू रूट टू विलवल टू वन टीवल टू जीरो सिंप्लीफाई so, कर लेते हैं देखो रूट टू को मल्टीप्लाई कर दिया सो so so हैं ठीक है तो वाई माइनस वाई वन लगा देते हैं टू बाई रूट टू विल बीवल टू इसकी स्लोप कितनी है देखो माइनस टू बाई थ्री कितनी आएगी माइनस टू बाई थ्री इसकी हो जाएगी थ्री बाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री बाई रूट टू इसको सिंप्लीफाई करते हैं देखो आ, ये टू इधर मल्टीप्लाई होगा रूट टू भी माइनस so यहां से आएगा 4, will be equal to, ये इधर मल्टीप्लाई होगा इधर आएगा थ्री रूट टू एक्स यहां से आपके पास में थ्री था इधर से रूट टू आ जाएगा सो थ्री रूट टू एक्स और रूट टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन इक्वेशन आएगी हमारे पास थ्री रूट टू एक्स माइनस टू रूट टू वाई विल्वल टू नाइन माइनस फोर दैट इज फाइव सीधा भी लगा सकते आ जाता ठीक है चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास में आ चुकी है ठीक है अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म बाय द इलिप्स देखो एक डायग्राम बनाते हैं यहां पर आ, ये हमारे पास में एक इलिप्स है ठीक है इसके किसी पॉइंट के ऊपर आपको एक टेंजेंट और नॉर्मल बनाना है तो ये मैंने टेंजेंट बना ली और ये मैंने नॉर्मल बना लिया ठीक है तो आपसे क्या बोला गया है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म बाय बाई परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द एलिप्स ठीक है ना इससे इसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इसके इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ठीक है और इसका एरिया निकालना है इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये एंगल पहले से 90 है ठीक है ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा यहां पर ठीक है इस तरीके का रेक्टेंगल बनेगा तो अपन क्या करते हैं इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस निकाल सकते हैं तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेंटर जीरो कोमा जीरो है जीरो तो से इसके ऊपर डिस्टेंस कितनी आएगी तो इस यहां पर पी वन विल भी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों सिक्स रूट टू डिवाइड बाई फोर प्लस नाइन

So, कितना आ रहा है देखो एरिया हमारे पास सिक्स इंटू फाइव थर्टी सा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपके जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन क्लियर होगा सभी को चलिए वैसे थर्टीन एक ही ऑप्शन में दिया था आपको ठीक है तो थर्टीन uh, क्योंकि नीचे आएगा तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए आगे चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर क्या करना है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर के अंदर देखो अपने को क्या करना होगा पॉइंट ऑन द इलिप्स द नॉर्मल इज पैरल टू दिस लाइन इच ठीक है ना मीन्स इसके ऊपर आपको क्या करना है एक पॉइंट निकालना है इलिप्स के अंदर जिसके अंदर नॉर्मल जो है आपका वो इसके पैरल होगा तो देखिए कैसे देखिए कैसे करेंगे सबसे पहले तो इस इलिप्स को लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सो दैट इज फॉर्मेट के अंदर ठीक है या टेंजेंट की इक्वेशन की बात कर ना किसी के भी तो अगर फॉर एग्जांपल मैं टेंजेंट के बारे में बात करता हूं ठीक है तो पैरामेट्रिक फॉर्मेट में क्या आएगा देखो ए एक्स थीटा डिड बाई टू विलवल टू वन ठीक है ना नॉर्मल नहीं है टेंजेंट है अच्छा इस टेंजेंट की स्लोप निकाल सकते हैं अपने यहां से एम बराबर कितना आएगा एम विल बी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा थीटा के डिवाइड में थ्री है साइन के डिवाइड में टू है सो दैट विल बी ऑफ टेंजेंट ठीक है अच्छा तो स्लॉप ऑफ टेंजेंट ये है तो थ्री साइन थीटा डिवाइड बाई टू कॉस थीटा ठीक है और आपको कहा गया है कि नॉर्मल जो है आपके इस इक्वेशन के पैरेलल है तो नॉर्मल की स्लोप इस की स्लोप के बराबर होगी इस लाइन की स्लोप है बच्चों आपके पास में फोर बाई टू फोर बाई टू मीन्स टू तो यहां से आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी टेन थीटा विल बी इक्वल टू फोर डिवाइड बाय थ्री टेन थीटा आ गया तो अपन साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हैं और साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हैं एंड दैट मीन्स बच्चों अपन ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं ठीक है सो साइन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा विल बी इक्वल टू हो जाएगा फोर डिवाइड बाई फाइव एंड कॉस थीटा विल बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना थ्री डिवाइड बाई फाइव फॉर्मूला होता है हमारे पास में ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ठीक है ना ए की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पर ए दिया गया अपने को थ्री और कॉस थीटा थ्री बाई फाइव सो दैट इज नाइन बाई फाइव और बी है अपने पास में कितना टू और यहां पर कितना है फोर सो दट इज एट बाई फाइव सो नाइन बाई फाइव कोई फाइव ऐसा ऑप्शन है देखिए क्या देखो 9 और पहला 9 और और एट पहला दूसरा ऐसा है है बच्चों 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 थर्ड ऑप्शन ऑप्शन सो फोर्थ क्वेश्चन क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अपना तीसरा क्लियर सभी को चलिए फिर आगे चलते हैं हैं बात करते नंबर के बारे में. क्या है देखो अगर टेंजेंट की इक्वेशन है बच्चों तो सबसे पहले तो इस पॉइंट पर टेंजेंट है तो यह सेटिस्फाई करेगा तो इसमें पुट कर दीजिए तो यहां से आपको एक कंडीशन मिलेगी दैट इज जीरो विल बी इक्वल टू माइनस ए प्लस बी इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों ए और बी दोनों क्या है बच्चों बराबर है ठीक है और ए और बी दोनों बराबर है आपसे क्या बोला गया है आपसे बोला गया कि इसकी उत्केंद्रता क्या होगी ठीक है तो क्योंकि एक जगह पर एक ही पावर फोर और बी स्क्वायर है तो अपने को इनकी वैल्यूज भी निकालनी पड़ेगी अच्छा क्या कौन क्या बोला गया है इफ दी लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दी पॉइंट माइनस वन कोमा जीरो इस कर्व के ऊपर है तो इस कर्व को अपन एक काम करते हैं बच्चों इस पॉइंट पर इसकी स्लोप की बात करते कितनी आएगी सो एफ विल बी इक्वल टू कितना आएगा वन माइनस एफ डे एक्स कहें या डी वाई बाई किस चीज की स्लोप चलती है पता चलती है अपने को टेंजेंट की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप अपने को यहाँ पर कितनी दी गई है बच्चों ए सो ए विल बी इक्वल टू और कहां पर इसी पॉइंट पर ये पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए सो वन माइनस थ्री दैट विल बी इक्वल टू माइनस टू ए आ गया है हमारे पास में ठीक है ना बी अपने को आ,

कितना जाएगा बच्चों 12. 12 बच्चो uh, so, बच्चो so, के अंदर हमारा जो सही आंसर होगा बच्चों दैट इज थर्ड ऑप्शन क्लियर है सभी को चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है देखिए हमारा एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट थीटा बिलोंग टू तो रियल नंबर फ्रॉम द कर्व दिस आर दिसम एंड स्मॉल रेस्पेक्टिवली देन इक्वल्स तो देखिए क्या है ये तो सबसे पहले तो ये जो जो पॉइंट है है ठीक ना अगर अपन इस ये जो आपको थीटा वाला जो पॉइंट दे रखा है इसके बारे में अगर बात करें तो ये किस चीज का कारो है ठीक है तो इसको अगर मैं एच और के लेकर या एक्स और वाई लेकर के अगर यहां से इक्वेशन की बात करूं तो थ्री को इधर ले आइए सो माइनस थ्री का होल स्क्वायर So मतलब प्लस तो है. है? दूसरे के बारे में बात करते हैं यहां से देखो कॉस फाइव और साइन फाइव को उधर ले जाके स्क्वायरिंग करते हैं एक्स माइनस फोर्टीन का होल स्क्वायर बाई नाइन प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फोर

उनकी आपको मैग्जिम और मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है ठीक है तो पहले अपन बात कर लेते इसके आ, सेंटर की इसका सेंटर है बच्चों थ्री कॉमा फोर पर जो सर्कल है उसका जो सेंटर है बच्चों वो कहां पर है थ्री कॉमा फोर पर ठीक है ना 3,4 पर है मिस ऐसा कोई भी एक डायग्राम है हमारे पास दूसरा ये जो इलिप्स है इसका सेंटर है 14,4 पर अच्छा 14,4 पर मिस इसी लाइन के ऊपर है आगे चल करके दैट इज 14,4 इस वाली लाइन के ऊपर है हमारे पास में यहां पर ठीक है सो चलिए अब अपन बात करते हैं ठीक है कि यहां पर जो एलिप्स बनेगा हमारे पास में ठीक है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा ठीक ठीक है है अच्छा ये ये अभी पता नहीं ये रफ डायग्राम बनाया तो अपन कि मतलब ने कितने हो जाएंगे? आ, एक्स कोऑर्डिनेट में पांच एड कर दो एट कॉमा फोर क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा इधर पांच कम कर दो माइनस टू कॉमा फोर इधर आते हैं इलिप्स के अंदर का जो सेंटर है वो फोर्टीन फोर है और उसकी जो मेजर एक्सिस है ठीक है उसकी आ, अगर यहां से एक ही बात करें तो ए कितना आएगा? थ्री आएगा इसका मतलब इससे तीन और तीन इदर, जो होंगे, वो होंगे 11, और इसके लिए क्या करेंगे अपन तीन जोड़ देंगे तो तीन जोड़ेंगे जैसे ही तो वहां पर कितना आ जाएगा फोर्टीन प्लस थ्री सो दैट इज सेवनटीन डिवाइड बाई फोर तो ये अपने को सारे पॉइंट्स मिल गए ठीक है अब आप सबको पता होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है वो अलोंग दी नॉर्मल ठीक है ना कॉमन नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग आपके पास में लाई करती है सर्कल का जो नॉर्मल होता है ठीक है ना वो सेंटर के करस्पॉन्डिंग लाई करेगा और वैसे भी आप देख सकते हो दोनों डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट सबसे दूर दिखाई दे रहे होंगे ठीक है और ये जो दोनों पॉइंट है आपके पास में ये पॉइंट और ये पॉइंट ये सबसे पास में दिखाई दे रहे होंगे ठीक है तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में ठीक so है ना कैपिटल एम तो होगा सेवनटीन माइनस टू सो दैट इज सेवनटीन माइनस ऑफ माइनस टू दैट इज प्लस टू और स्मॉल एम की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों क्योंकि कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट है सो कितना आ जाएगा बच्चों प्लस थ्री दैट इज ट्वेंटी टू और यही होगा हमारा सही आंसर ऐसा ऑप्शन हमें दिया गया है दैट इज फोर्थ ऑप्शन ठीक है तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में देखिए क्या करना है आप इस, इस क्वेश्चन के अंदर आइए डिस्कस करते हैं देखते सबसे पहले तो क्या दिया द सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स अच्छा नॉर्मल ड्रॉ करना है मेजर और माइनर एक्सिस को जहां कट कर रहा है वो उसका रेशियो अपने को दिया गया है उसके बारे में बात करनी है सो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक इलिप्स बना लेते हैं ठीक है ना नॉर्मल इलिप्स ठीक है अब अपने को क्या करना है देखो इस इलिप्स के किसी एक जनरल पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं सो so, ये पॉइंट आपको P है ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है ठीक है तो एक काम करते हैं, P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या एकटा कॉमा बी साइन थीटा ठीक है ना दैट पॉइंट विल बी बी

इंपॉर्टेंट होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन नॉर्मल और टेंजेंट दोनों की सो so, चलिए बात करते हैं पॉइंट q x एक्सिस को जब कट करेगा वो पॉइंट है सो so इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बच्चों 0 जब इसमें y को 0 पुट करोगे सो so आपको मिलेगा a2 b2 a sec थीटा sec थीटा को ऊपर लाओगे ये बन जाएगा cos थीटा क्लियर r के बारे में बात करते हैं r के लिए x 0 होगा क्योंकि ये कौन सा पॉइंट है y एक्सिस पर y एक्सिस पे x 0 होता है x को 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 0

और आगे वाली जो दूरी है वो कितनी है आपके पास में वन तो ये क्लियर है।, है? का है।, देखो। देखो है तो किस में लगाएं? में लगाएं, एक वाई में लगाएं तो किसी में भी लगाएं देखो ऐसा तो क्वेश्चन जब भी आता है सेम आंसर आता है ठीक है आप चाहो तो एक्स में लगा लो चाहो तो वाई में लगा लो किसी में भी लगाइए सेम ही आंसर आएगा मैं एक्स में अप्लाई कर रहा हूं देखो कितना आएगा टू इंटू जीरो प्लस दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस्थीटा डिवाइड बाई ए ठीक है इसको सोल्व कर लेते देखो यहां से अपने को क्या होगा ए और बी के अंदर एक रिलेशन मिलेगा और उसी से अपना आंसर आ जाएगा जो रिलेशन मैंने एक्स में अप्लाई किया है वही आप वाई में भी अप्लाई करोगे तो भी वही चीज आएगी देखिए थीटा से कॉस्ट थीटा कट जाएगा ए स्क्वायर इधर आ जाएगा इधर थ्री ए को इधर ले आए थ्री बी स्क्वायर बराबर टू ए स्क्वायर तो हमें यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है दैट इज टू बाई थ्री और हमें सेंट्रिसिटी पूछी थी तो ई e बराबर होता है वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट इज टू बाई थ्री इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा दैट इज वन बाई रूट थ्री लेकिन मेन काम इसमें जो था आपको ये पॉइंट्स निकाल करके रेशियो से ये रिलेशन निकालना था ठीक है ना जिसने ये रिलेशन निकाल लिया था उन सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा क्लियर है सभी को तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आइए देखते हैं इसके अंदर वन बाई रूट थ्री हमारा पहला ही ऑप्शन दिया गया है सो सेवंथ क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन क्लियर सभी को चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट के बारे में है क्या है क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन होगा तो यहां पर आपको दे रखा है तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है देखो बच्चों बोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वाई बराबर है बच्चो वन डिवाइड बाई एम ठीक है ना यहाँ पर फोर ए एक्स होता है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन ऐसे इलिप्स के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी बच्चों स्क्वायर प्लस माइनस दोनों साइन होते हैं विल बी दैट इज ठीक है और आपको बताना है कि यहां से एम की वैल्यू क्या होगी तो अगर कॉमन टेंजेंट है तो जैसे वाई और एम एक्स सेम है तो वैसे सी भी सेम होगा इनका तो सी को सेम कीजिए स्क्वायरिंग करेंगे बहुत साइड सो वन वाई एम स्क्वायर बराबर फोर एम स्क्वायर प्लस थ्री इसको सॉल्व कर लेते हैं तो so, यहां से आएगा देखो 4m की पावर 4 3m स्क्वायर और माइनस -1 0 ठीक है इसको सॉल्व कर लीजिए देखिए कितना आ रहा है आंसर दैट विल बी इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0 ये तो 0 होगा नहीं तो यहां से m की दो वैल्यूज आएगी 1/2 प्लस माइनस ठीक है एम के वैल्यू जब वन बाई टू यहां पुट करेंगे पहली क्वेश्चन पुट कर देते हैं तो वाई बराबर कितना आ जाएगा देखो एक्स बाई टू प्लस टू वन बाई टू पुट करेंगे तो यह आएगा सो एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर विल भी इक्वल टू जीरो ठीक है ऐसा जो आंसर है वही है बच्चों आपका सही आंसर x माइनस टू वाई प्लस फोर विल भी इक्वल टू जीरो ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है ठीक है तो फिर क्या करें तो फिर माइनस वन बाई टू बुट कीजिए माइनस वन बाई टू पुट करेंगे तो यहां भी माइनस आ जाएगा यहां पर भी माइनस आ जाएगा दोनों जगह पे माइनस होगा तो इन सारी टर्म को इधर लाएंगे तो सारी प्लस की हो जाएगी सो so, ये भी आंसर हो सकता है ऐसा ऑप्शन अपने को अगेन दिया गया है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन सो एट का भी जो सही आंसर होगा बच्चों वो है हमारा पहला ऑप्शन चलते हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है देखो क्वेश्चन नंबर नाइन के अंदर आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर नाइन के अंदर आपको बोला गया है कि रूट थ्री बी एक्स प्लस ए वाई बराबर टू ए बी इसके इसेंट्रिक एंगल थीटा पर किसकी इक्वेशन है बच्चों इसको टच कर रही मतलब टेंजेंट की इक्वेशन है तो हम भी इसके ऊपर क्या कर लेते हैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स डिवाइड एक्स थीटा डिवाइड बाई ए थीटा डिवाइड बाई बी विल बी इक्वल अच्छा एक इक्वेशन अपने को क्या दे देखिए इसको ध्यान से देखो इसको टू एवी से डिवाइड कर देते हैं टू एवी से डिवाइड करेंगे तो क्या कर तो यहाँ पर साथ में वन बाई टू आएगा और दैट विल इक्वल टू वन कंपेयर कीजिए दोनों में देखो एक्स बाई एक्स बाई ए वाई बाई बी इसमें कॉस् थीटा इसमें साइन थीटा कॉस्ट थीटा रूट थ्री बाई टू और साइन थीटा वन बाई टू कोई भी एक वैल्यू

आइए देखते हैं क्वेश्चन देखो आपको बोला गया है हाँ ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है एक टू तथा की 1 2, इसकी एक नाभि भी वन बाई टू कोमा वन है देखो एक कोई दीर्घवर्त है ठीक है इसकी एक नाभि आपको दे रखी है दैट इज वन बाई टू कोमा वन क्या दे रखी है एस दैट इज वन बाई टू कोमा वन ठीक है ना ध्यान से देखना ठीक है इसकी उत्केदरता वन बाई टू है इसके ई के बारे में अपने को पता है बच्चों कितना है वन टू है ठीक है तथा तो इसकी एक नियता एक नियता नियता एस के पास पास वाली वाली जो है है ये ठीक ना ये क्या है वर्थ एक्स स्क्सर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तो ध्यान से अगर देखोगे बच्चों इन दोनों का डायग्राम बना करके भी देख सकते हो आप ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन और ये है आपके पास में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप वाला जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पर है वन कोमा जीरो पर और ये भी कहां पर है वन कोमा जीरो पर तो ये कॉमन पॉइंट है तो जो आपकी कॉमन स्पर्श रेखा होगी एक ये होगी और एक ये होगी ये तो कौन सी है एक्स बराबर माइनस वन और ये है एक्स बराबर वन तो हमें वो लेनी है जो एस के पास में है एस के पास में कौन सी होगी बच्चों एक्स इक्वल टू वन दैट मीन्स इसकी ये जो नियता है दैट इज एक्स इक्वल टू वन अच्छा ये एक ओरिजोनटल लाइन है मीन्स इसकी एक्सिस जो होगी ठीक है ना वो एक वर्टिकल लाइन होगी तो ये अगर वन बाई टू कोमा वन है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे बच्चों को वन कोमा वन ये आपको एक पॉइंट मिल गया M अब आपको क्या करना है बच्चों आपको इस दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है तो चलिए अपन बात करते हैं इसके समीकरण के ऊपर इसका समीकरण क्या होगा ठीक है चलिए देखो कैसे करेंगे सबसे पहले अपने काम करते हैं बच्चों A निकाल लेते हैं ना ए कैसे निकालेंगे क्योंकि अपने को पता है बच्चों एम और एस के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है वो होती है ए बाई माइनस अपने को पता है 1 by 2 और 1 के बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों e अपने को 1 by 2 दे रखा है फोर ए माइनस ए बराबर आ गया हमारे पास वन बाई थ्री ए की वैल्यू मिल गई है अपने को वन बाई थ्री चलो ए भी आ गया वन बाई थ्री अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट बी निकाल लेते हैं ठीक है ना ए और बी के अंदर रिलेशन होता है तो वहां से अपना बी आ जाएगा सो बी कितना थ्री बाई फोर एक थ्री कट जाएगा सो नीचे बचाएगा वन बाई ट्वेल्व तो ये आ जाएगा अपने पास बी स्क्वायर ए स्क्वायर वन बाई थ्री और बी स्क्वायर a 1/3 और b स्क्वायर की वैल्यू 1/12 चलिए a और b आ गया अच्छा इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए अपने को चाहिए उसका केंद्र बिंदु x minus h का होल स्क्वायर प्लस y a स्क्वायर प्लस y k का होल स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 क्यों क्योंकि इसकी जो एक्सेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो इस टाइप का इक्वेशन होगा हमारा जो भी होगा अच्छा ये क्योंकि एक्सिस जो मेजर एक्सिस है इसकी ठीक है क्योंकि यहां पर एस लाई कर रहे थे मेजर एक्सिस ही है तो इस पर वाई इक्वल टू वन दोनों पॉइंट पर कांस्टेंट है तो इसके केंद्र बिंदु पर भी कांस्टेंट होगा तो वाई की वैल्यू तो यहां पर कितनी आ जाएगी बच्चों आ जाएगी क्लियर है अब बात करते हैं कि यहां पर एच की वैल्यू क्या होगी ए बी और अपने को के सब मिल गया है सिर्फ अब अपने को ए निकालना है सॉरी एच निकालना है कि ये कितना होगा ठीक है तो ध्यान से देखो बच्चों यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अपने को पता है कितनी है वन बाई थ्री सॉरी ये ए है ए की वैल्यू कितनी है आपकी वन बाई थ्री क्लियर है अच्छा यहां से लेकर के यहां तक की दूरी भी दूरी दैट इज वन बाई टू ठीक है तो अपने को क्या करना है अपने को इस पॉइंट के कोर्डिनेट ही तो चाहिए ठीक है तो अपने एक काम करते हैं ये दूरी वन बाई थ्री है और ये वन बाई टू है ठीक है तो इन दोनों दूरियों से अपने को क्या करना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अच्छा यहां पर जो भी पॉइंट होगा आपके पास में एच ठीक है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो ठीक है ना आ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके पॉइंट के कोर्डिनेट होंगे एच कोमा के और मान लेते हैं कि ओरिजिन यहां पर है जीरो यहां पर तो देखो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अपने को पता है दैट इज एच ठीक है ना इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी एच फिर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अपने को पता है दैट इज वन बाई थ्री ठीक है ना एच और आगे वाली दूरी कितनी है by और अपने को निकालना है क्या है अपने को H निकालना है ना इस बात का भी ध्यान रखना है ठीक है एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो so, ये by है, ये by है है ठीक है तो अब ये जो पॉइंट है हमारे पास में इस साइड में जो दूसरा जो फोकस होगा ठीक है ना क्योंकि ये वन बाई टू कॉमा वन है ठीक है तो जो दूसरा जो फोकस होगा वो आप हमारा कितना हो जाएगा बच्चों ठीक है तो क्योंकि वो आपके पास में पूरा का पूरा डिपेंड करेगा इसके ऊपर सेंटर पे ठीक है ना क्योंकि देखो यहां पर ये वन बाई टू है ठीक मतलब है तो फिर देखो ये जो एच की जो वैल्यू होगी हमारे पास में ठीक है ये वन बाई टू हो गई ये वन बाई थ्री हो गई तो अपन एक काम करते हैं पहले ये वाली दूरी निकाल लेते हैं ठीक है ना ये दूरी निकालने के बाद में अपने को आ, क्योंकि इस पॉइंट तक की दूरी पूरी पता होगी दैट विल बी एक्स इक्वल टू वन ठीक है तो वो अपन निकाल लेंगे तो ये दूरी कितनी होगी हमारे पास में देखो ये आ गई एच एच यहां से यहां तक की ये वन बाई थ्री प्लस ये होगी हमारे पास में ए माइनस ए माइनस ए तो ए कितना अपने पास में वन बाई थ्री माइनस ए इंटू दन बाई सिक्स ठीक है कितना आएगा ए अपने हमारे पास में वन बाई थ्री सो ए माइनस ए दैट इज वन बाई सिक्स सिक्स एलसीएम आ जाएगा सो दैट इज टू माइनस वन दैट इज वन बाई सिक्स तो ये जो दूरी है हमारे पास में कितनी है वन बाई सिक्स है यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो वन बाई सिक्स है तो अब देखो अपन देखो सारी वो दूरियां निकाल सकते हैं एच प्लस वन बाई थ्री और अब क्योंकि आगे वाली जो दूरी है वो है हमारे पास में वन बाई टू माइनस वन बाई सिक्स और ये किसके बराबर हो जाएगी ये वन के बराबर हो जाएगी ये क्लियर होगा सभी को अब देखिए यहां से आप एच बड़े आसानी से निकाल सकते हैं एच विल बी इक्वल टू सभी को उधर ले जाते हैं सिक्स एलसीएम आ जाएगा तो उधर सबसे पहले सिक्स आएगा फिर प्लस वन माइनस टू माइनस थ्री कितना दो प्लस तीन पांच सो सात माइनस पांच इज टू बात भी होगा तो सारा काम सोल्व हो गया ऊपर आ जाएगा प्लस वाई माइनस वन का होल डिवाइड बाई बी स्क्वायर बी स्क्वायर वन बाई इक्वल टू वन

ठीक है फिर ये आगे वाली जो दूरी है ये कितनी होगी तो इसके लिए अपन ने क्या किया क्योंकि ये 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 दूरी 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 अपने को पता थी वन बाई टू थी थी so, सो में से ये जो अपन ने निकाली थी, कौन सी वाली कर दी तो ये आगे वाली दूरी आ जाएगी और ये सारी दूरिया मिला करके आपके किसके बराबर हो जाएगी बच्चों ये वन के बराबर हो जाएगी क्लियर होगा सभी को सो so, यहां से एच निकाल लेंगे एच की वैल्यू वन बाई थ्री आ रही है और ऐसा ऑप्शन आप चेक कर लीजिए कौन सा है नाइन और 12 x के साथ में माइनस वन बाई थ्री आएगा सो और नाइन आएगा तो ऐसा पहला ही ऑप्शन है आपको तो यही सही आंसर होगा इसमें सिक्सटीन दिया है सो तो सिक्सटीन गलत हो जाएगा क्योंकि आंसर कितना आने वाला है नाइन का फर्स्ट ऑप्शन आने वाला है क्लियर है चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की ओर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था टेन हो गया ना क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन के अंदर देखिए क्या करना है अपने को क्वेश्चन नंबर इलेवन के अंदर आपको एक बिंदु दिया गया है टू कॉमा वन ठीक है और आपको क्या कहा गया है कि इमेज ऑफ दी पॉइंट टू कोमा वन इन ए लाइन क्यू इज क्यू देखो एक कोई लाइन है ठीक है जिसके अंदर पॉइंट पी की जो इमेज है बच्चों पॉइंट पी की जो इमेज है वो आपको दी गई है बच्चों क्यू है तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं दैट इज टू कोमा वन और दैट इज सिक्स कॉमा थ्री अगर ये पॉइंट्स दिए गए तो बच्चों आप ये पॉइंट निकाल सकते हो एम ठीक है ये लाइन एल है आपकी एम क्या होता है इन दोनों का पॉइंट ठीक है हमारे है? हम so, so, पास में पॉइंट एम पॉइंट एम आ गया तो बच्चों हम एल की इक्वेशन निकाल सकते हैं सो so, एल की इक्वेशन निकाल लेते हैं अच्छा इसकी स्लोप की बात करें तो स्लोप कितनी होगी एम बराबर टू माइनस वन डिवाइड बाई फोर माइनस टू सो दिन बाई टू लेकिन ये किसकी स्लोप है ये पी क्यू की स्लोप है तो एल की स्लोप हो जाएगी माइनस टू सो वाई माइनस टू विल बी इक्वल टू माइनस टू इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस कितना फोर कितना आएगा देखो y बराबर माइनस टू एक्स प्लस टेन तो ये मिल गई बच्चों अपने को क्या इक्वेशन ऑफ L. और आपको क्या, क्या कहा गया आगे यदि रेखा एल दीर्घवर्त को निम्न में से किस बिंदु पर स्पर्श करेगी मतलब आपको इसका और इसका और दोनों का क्या करना है बच्चों स्पर्श बिंदु निकालना है की अगर ये टेंजेंट है तो सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर मतलब सो so बराबर होगा किसके ए स्क्वायर एम स्क्वायर दैट इज फोर एम स्क्वायर प्लस फोर तो यहां से एम स्क्वायर की सॉरी फोर ए स्क्वायर तो यहां से ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास नाइनटी सिक्स डिवाइड बाई फोर दैट इज ट्वेंटी फोर तो इलिप्स की जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर बाई ट्वेंटी फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर बराबर वन इसका और इसका दोनों का क्या करना है बच्चों अपने को इंटरसेक्शन uh, पॉइंट निकालना है तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं एक तरीका तो यह so है और दूसरी इक्वेशन है बच्चों 2x plus y will be equal to 10, ये. इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके अपन एक्स और y की वैल्यू बच्चों यहां पर बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं आइए देखते हैं कितना आ रहा है सो so, पहले अगर तो एक्स वन डिवाइड फोर्टी एट बाई टेन ट्वेंटी फोर बाई फाइव एंड वाई वन फोर बाई टेन दैट इज टू बाई फाइव सो ट्वेंटी फोर बाई फाइव एंड टू बाई फाइव ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों ऐसा आपका फोर्थ ऑप्शन है जो कि सही आंसर है क्वेश्चन नंबर के अंदर क्लियर है सभी को चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर के बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आपको दिया है कि फ्रॉम दी पॉइंट ए फोर कोमा थ्री टेंट्स आर ड्रॉन टू दिस इलिप्स एंड टच द दिलिप्स एट बी एंड सी इफ इफ इज द टेंजेंट टू द इलिप्स पैरेलल टू दाइन बी सी एंड टुवर्ड्स द पॉइंट द देन द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम इ एफ इज इक्वल टू देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या करना है एक पॉइंट है फोर कॉमा थ्री ठीक है फोरकोमा थ्री इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कहीं बाहर होगा टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स तो इसके ऊपर आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है अच्छा ये जो फोर कॉमा थ्री है अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा है ठीक है ना फोर कॉमा थ्री जो है ये जो आपके पास में इलिप्स दिया गया है इसके डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा है ठीक है ना इधर कहीं पर होगा ये फोर कोमा थ्री ठीक है ना फोर कोमा थ्री अब यहां से क्या करना टेंजेंट्स एंड टच दिलिप्स एट बी एंड सी अच्छा इसमें एक चीज और अच्छी है देखो चार कोमा तीन से इधर जो टेंजेंट ड्रो करोगे वो इधर हॉरिजॉन्टली आपको टच करेगी इधर भी आपको इसी पॉइंट पे टच करेगी जहां पर कैसे पता चला क्योंकि इसका ये पॉइंट कितना है जीरो कोमा थ्री तो ये तो है जीरो कोमा थ्री और ये पॉइंट है फोर जीरो इसका मतलब ये जो डायग्राम है ये आपका कुछ इस टाइप का बन रहा है इधर से ऐसा इधर से ऐसा ये पॉइंट दे रखा था पी ए आपको चार कोमा तीन इधर ये जो पॉइंट इस पे जहां पे टच कर रहा है बी पर ये है आपका जीरो तीन और इलिप्स को बी और सी के ऊपर और ये जो पॉइंट है आपके पास में एक को सी नाम दे दीजिए एक को बी नाम दे दीजिए दैट इज फोर कॉमा जीरो इसी पॉइंट पे टच करेगी चलिए ये काम तो और आसान हो गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बी एंड सी इफ निकाल सकते हैं अपन ठीक है इसके जो पैरेलल लाइन होगी उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं एक्स बाई एक्स बाई फोर प्लस वाई बाई थ्री इक्वल टू वन इसके पैरेलल जो लाइन होगी तो इक्वल टू में आ जाएगा के

ठीक है ना इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है सो so, चलिए अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले k के बारे में कि k क्या होगा ठीक है तो यहां से इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करें सो so, 3x plus 4y will be equal to 12k 12k को फिर से एक नया नाम दे दीजिए दैट इज c ठीक है ना क्योंकि k था उसको फिर एक नया नाम दे दीजिए c कोई दिक्कत नहीं उसमें तो इसके पैरल लाइन ये हो जाएगी ये इस इलिप्स की कौन सा ठीक है फिर से तो इसको नया नाम दे सकते हो लेकिन चलिए बार बार लेने की जरूरत नहीं है तो सी स्क्वायर बाई स ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर कितना है बच्चों हमारे पास सिक्सटीन एम स्क्वायर विल बी नाइन बाई ये नाइन जाएगा नो प्लस नो अठारह ठीक है तो सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा बराबर फोर रूट एटीन प्लस माइनस दोनों आएंगे लेकिन हमें वो लेनी है जो इधर इसको कट कर रही है दैट मीनस वो प्लस वाली होगी हमारी ठीक है सो so यहां पर फोर रूट एटीन जब आप पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी थ्री एक्स प्लस फोर वाई विल बी इक्वल टू प्लस जब लेंगे वो वाली होगी तरफ क्योंकि इधर इधर तो तो नेगेटिव इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट करेगी करेगी पॉजिटिव अब इसकी आपको से से डिस्टेंस निकालनी है तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते बच्चों uh, तो बच्चो, आपका आंसर ऐसा ऑप्शन दिया है ट्वेंटी फोर माइनस फोर रूट एटीन डिवाइड बाई फाइव बिल्कुल आपका जो सेकंड ऑप्शन है वही होगा सही आंसर सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्लियर है सभी को चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर के बारे में। वेरिएबल लाइन दिस इज टेंजेंट टू सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं सिक्स सेन इस टाइप का इलिप्स है ये और ये जो लाइन आपको दे रखी है ये इसकी क्या है बच्चों टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है सी स्क्वायर दैट इज टू एच का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर कितना है बच्चों थ्री इन टू स्क्वायर विल बी के स्क्वायर प्लस दैट इज टू ठीक है टू बी की जगह पर ही आपको कितना दे रखा है बच्चों टू दे रखा है ठीक है सो दैट इज टू सिंप्लीफाई so, कर लेते हैं देखिए क्या इक्वेशन मिल रही है अपने को और उस फोर को भी नीचे लेट इज टू बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई दैट इज टू बाई थ्री विल इक्वल टू वन तो ये बन गया हमारे पास में क्या एक अति पर्वल ठीक है ना एक आ, हाइपरबोला इसकी सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों ई e ई बराबर e बराबर होता है स्क्वायर बी स्कवाई थ्री डिवाइड बाई टू बाई टू से टू कट जाएगा एलसीएम ले लीजिए थ्री प्लस फोर रूट सेवन बाई थ्री ठीक है ना रूट के अंदर रहेगा सात और तीन दोनों ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों थर्ड ऑप्शन जो कि आपका सही होगा तो so, थर्टीन का जो सही आंसर होगा दैट इज थर्ड ऑप्शन क्लियर है सभी को चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन <coughs> देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा इसके बारे में देखते हैं सो so, फोर्टीन के अंदर आपको दे रखा है कि बी वन एंड बी टू आर दी एंड ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ दिसिप्स इस सिलिप्स की माइनर एक्सिस का एंड है

थ्री सो थ्री इंटू टू सिक्स माइनस थ्री एस स्क्वायर ठीक है ना ऊपर तीन और नीचे चार सो फोर एस स्क्वायर बराबर सिक्स माइनस थ्री एस इधर ले आए सेवन एस स्क्वायर बराबर सिक्स सो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया हमारे पास छ बटे सात देखो साइन स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया दैट मीन अपन एलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं

8/7 uh, will be equal to 1 चलते देखो आगे हां ये एलिप्स से इस ऐसा एलिप्स बनेगा ये ठीक है माइनर एक्सिस इसमें ये होगी ठीक है तो ये ऐसा सा बनेगा और इस ट्रायंगल का एरिया अपने को फाइंड आउट करना है सो एक तो ये आ जाएगा इसके अंदर और दूसरा ये आ जाएगा ठीक है तो कितना आ रहा है देखो 1/2 ये लेंथ कितनी होगी माइनर एक्सिस माइनर एक्सिस कितनी होती है टू इंटू ए ए हमारे पास में रूट एट बाई सेवन और इंटू e. e की वैल्यू अपने को दे रखी थी क्वेश्चन में दैट इज वन बाई टू इसको पुट कर दीजिए वन बाई टू तो देखो इस टू से ये टू चला गया uh, इसमें से एक टू बाहर आकर के इस टू से कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा एक टू और एक टू सो दैट इज टू रूट थ्री डिवाइड बाई सेवन तो यही हो जाएगा हमारा एरिया ऐसा है ऑप्शन आयो देखते हैं टू रूट थ्री बाई सेवन है बिल्कुल है बच्चों थर्ड ऑप्शन सो so फोर्टीन का सही आंसर होगा हमारा तीसरा ऑप्शन क्लियर है सभी को चलिए फिर आगे चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की ओर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है लेट अल्फा बीटा इज द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस पैराबोला इंक्लूडिंग द एंगल 45 डिग्री टू ईच अदर देन द लोकस ऑफ पी अल्फा कॉमा बीटा इज देखो फ्रॉम द पॉइंट अल्फा बीटा टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस पैराबोला इसके ऊपर आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है जिसके बीच का एंगल है बच्चों कितना 45 डिग्री का ठीक है पैराबोला कौन सा है y2 4x y square बराबर 4x ठीक है ये पॉइंट दे रखा है आपने को अल्फा कोमा बीटा ठीक है तो देखो सबसे पहले तो इसके लिए अगर अपन बात करें ठीक है कोई भी एक जनरल टेंजेंट की इक्वेशन तो वो होगी हमारी y बराबर mx plus a by m a की वैल्यू 1 सो 1 by m ठीक है अब देखो यहां पर आपको बोला गया है क्या कि ये जो टेंजेंट है अल्फा कोमा बीटा से पास करती है तो इसको पास करवा दीजिए एलसीएम ले लीजिए बीटा एम बराबर स्क्वायर स्क्वायर अल्फा 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 प्लस वन, तो क्या बना देखो एम देन द ऑफ बीटा, बीटा को पुट कर दीजिए एम स्क्वायर एक्स माइनस बीटा को वाई एम वाई प्लस वन बराबर जीरो अब देखो इसके अलावा आपको एक चीज और दी गई है क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है 45 degree so 10 45 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 minus m2 divide by one plus m1 m2 ठीक है ऐसा होगा बिल्कुल होगा देखो यहां पर आपको m1 plus m2 कितना आएगा m1 plus m2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों y by x और m1 m2 कितना आ जाएगा m1 m2 बराबर आ जाएगा one by x ऐसा होगा So, चलिए बात करते हैं टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी होती है one, squaring कर दीजिए दोनों साइड ठीक है माइनस टू माइनस फोर एम वन एम टू दैट इज माइनस फोर बाई एक्स और डिवाइड बाई वन प्लस एम वन एम टू का होल स्क्वायर वन प्लस एम वन एम टू कितना है वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई कर लेते देखो इधर ले आइए का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स ठीक है ना एलसीएम ले लीजिए उधर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स ठीक है ना ये आ गया हमारे पास अब देखो बात करते हैं आपको क्या बोला गया है कि ये जो कॉनिक है ये कौन सा कॉनिक होगा ठीक है तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए देखो एक्स स्क्सूक्स प्लस फोर एक्स दैट इज प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर बराबर जीरो एक रेक्टेंगुलर हाइपर बोला है सॉरी बस ये एक हाइपर बोला रेक्टेंगुलर नहीं हाइपर बोला कौन सा हाइपर बोला है दैट इज हाइपर बोला दो ऑप्शन में दिया हुआ है जिसका केंद्र बिंदु आपको बताना है कि कितना होगा तो इसका केंद्र बिंदु कितना होगा बच्चों माइनस थ्री कोमा जीरो

ठीक है दो पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ठीक है ना एक पॉइंट यह है इसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग आपको माइनस चार कोमा दो और यह पॉइंट है आपका दो कोमा एक ठीक है इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑफ हाइपरबोला आर द राइट एंगल देन देंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला तो देखो सबसे पहले पहले वाले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं

माइनस एम वन की वैल्यू है फोर बाई ए स्क्वायर इंटू टू बाई बी दोनों का साइन सेम है इसलिए कट बराबर माइनस वन इस माइनस so, साइन से ये माइनस साइन गायब हो जाएगा क्या बचा टू से टू गया सो so, यहां पर आ गया हमारे पास में कितना फोर बी टू दावर फोर डिवाइड बाई ए टू पावर फोर सो फोर बी की पावर फोर स्क्वायर आ गया हमारे पास कितना बच्चों बाई ए स्क्वायर वन बाई टू है तो कितनी आ जाएगी बच्चों वन प्लस वन बाई टू दैट इज रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू है क्या ऑप्शन आइए देखते हैं रूट थ्री बाई टू तीसरा ऑप्शन बच्चों सिक्सटीन का जो सही आंसर होना चाहिए हमारे पास में वो होना चाहिए इसका थर्ड ऑप्शन और बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही है यहां पर क्लियर है चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं क्या करना है इसमें 17 में आपको बोला है कभी भी इलिप्स हाइपरबोला सर्कल किसी के अंदर भी अगर आपको क्या करना हो प्रतिबिंब लेना हो इमेज लेना हो रिफ्लेक्शन लेना हो तो एक काम कीजिए एक्स स्क्वायर को कर दीजिए वाई स्क्वायर नीचे वाले डेटा को भी चेंज कर दीजिए सर्किल में तो सेम होता है यहां पर चेंज हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई फोर ठीक है ना x square की जगह y square और इधर आपके पास में 4 माइनस यहां पर कितना आ जाएगा x square by 9 बराबर 1 ऐसा आ जाएगा uh, y square by 4 minus x square by 9 will be equal to 1 ठीक है अब देखो इसके अंदर आप, आपको क्या करना है ठीक है इसके अंदर आपको क्या करना है आ, इसकी उत्केंद्रता निकालनी है तो उत्केंद्रता का क्या फॉर्मूला होता है माइनस वाला नंबर will be equal to प्लस वाला नंबर इंटू स्क्वायर माइनस वन ठीक है माइनस वाले का आ, इज आ, आपके पास में कितना होगा एक काम करते हैं रुकू वाई स्क्वायर स्क्वायर और एक्स आपके इंटरचेंज हो जाएंगे तो यहां पर कितना आएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाई नाइन दैट विल बीवल टू तो माइनस वन ठीक है ना क्योंकि इसके अंदर अच्छा इसमें देखो अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो ठीक है ना तो एक तरीका आपके पास में ये भी रहेगा ठीक है इसके ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए दैट इज थ्री सेक थीटा कोमा टू टेन थीटा ठीक है ना थ्री सेक थीटा कोमा टू टेन थीटा ठीक है ना इस पॉइंट की इमेज लीजिए किसके अंदर वाईक्वल टू एक्स में तो क्या बनेगी टू टेन थीटा कोमा थ्री सेक थीटा इंटरचेंज हो जाएगा टू टेन थीटा इधर आ जाएगा थ्री सेक थीटा उधर चला जाएगा अब आपको क्या करना है आपको इसका लोकस चाहिए तो इसको एच मान लेंगे और इसको के मान लेंगे तो क्या आएगा देखो हमारे पास सेग स्क् माइनस टेन स्क्वायर तो सेग की वैल्यू क्या हो जाएगी के स्क्वायर बाई नाइन माइनस एच स्क्ट विल स्क्वायर बाय नाइन माइनस एच स्क्वायर बाई फोर विल बी इक्वल टू वन तो यहां से अपने को मिलेगा कितना माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई नाइन विल बी इक्वल टू वन ठीक है यहां पर ऐसा ही जाएगा अच्छा हाँ उस माइनस साइन को भी आपको क्या करना था इंटरचेंज करना था. XY को चेंज ठीक है और विध कॉपी माइनस फोर इधर आ जाएगा प्लस नाइन उधर चला जाएगा है ना अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो माइनस फोर इधर और उधर और 1 अपनी जगह एज इट इज रहेगा क्लियर अच्छा अब आपको क्या करना है आपको इसकी देखो क्या उत्केंद्रता निकालनी है तो क्या तरीका होता है फोर बराबर नेगेटिव वाला नंबर बराबर पॉजिटिव वाला नंबर इंटू स्क्र माइनस वन यहाँ साइन नहीं लेते हैं ना सिर्फ डेटा को लेते हैं फोर बाई नाइन प्लस वन का रूट ठीक है सो दैट इज विल बी इक्वल टू √2 3 सॉरी एलसीएम लोगे सो √13 by 9 सो दैट इज √13 by 3 इसमें so, बहुत सारे बच्चों को पहला ऑप्शन क्या होगा वो गलत होगा ना आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो और ये सीधा करो तो -4 और आ, आ, इसको क्या कर दो इंटरचेंज कर दो और x और y को भी इंटरचेंज कर दो वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा क्लियर चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या करना है देखो 18 में आपको कहा गया कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एम द स्टेट लाइन दिस इज़ किसकी टेंजेंट है तो चेक कर लेते देखो अच्छा नाइन एम स्क्वायर माइनस फोर है इसका मतलब हाइपर बोला की होगी बच्चों इलिप्स की नहीं होगी तो पहला दूसरा तो गलत हो गया ये तो इलिप्स की है। इसमें से हो चेक करते हैं किसको, इसको लिखो देखो, एक्स फोर वाई वन। इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के हिसाब से क्या आएगा फोर एम स्क्वायर माइनस नाइन जबकि आपको क्या दे रखा है नाइन एम स्क्वायर माइनस फोर तो ये भी गलत है तो सिंपल सी बात है कि ये सही होगा चाहो तो लिख के देखो एक्स स्क्वायर बाई नाइन माइनस वाई स्क्वायर बाई फोर बराबर वन इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी नाइन एम स्क्वायर माइनस फोर वैसे तीसरा पहले तीन गलत है तो चौथा ही सही आना है ठीक है बाकी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो 18 का सही आंसर होगा बच्चों फोर्थ ऑप्शन क्लियर चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नाइनटीन में क्या करना है देखो 19 में कहा गया कि एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वल टू फोर मीट द एक्स एक्सिस एट क्यू देखो क्या है एक्स स्क्सर बाई टू बराबर एक हाइपरबोला ठीक है टेंजेंट द हाइपरबोला एट द पॉइंट किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींची जाए तो एक्स एक्सिस को भी कट करेगी वाई एक्सिस को भी कट करेगी बिल्कुल करेगी बच्चों पी और क्यू पर कट कर रही है ये पी और ये क्यू आगे क्या कहा गया है पी आर एंड क्यू आर आर ड्रोन सच देख ओ पी आर क्यू इज ए रेक्टेंगल देखो इसमें भी एक रेक्टेंगल बनाना है पी से और क्यू से एक पॉइंट लेना है आर और ओ के साथ में एक रेक्टेंगल बनाना है तो यह बनेगा देखो बच्चों ये रेक्टेंगल ठीक है तो क्या होंगे देखो बच्चो देन दोकस ऑफ आर तो आर का लोकस तो देखो अगर ये पॉइंट एच है आपके पास में एच कॉमा जीरो पी के कोऑर्डिनेट्स को एच कोमा जीरो और इसको जीरो तो तो निकालने, निकालने का मतलब क्या हुआ कि इसके जो, जो जनरल पॉइंट है उसके ऊपर के क्या होंगे उसके बारे में बात करते हैं तो टी इक्वल टू जीरोक्वल टू जीरो में क्या आएगा टू एक्स sec थीटा बाई फोर माइनस रूट टू वाई टेन थीटा बाई टू बराबर एच की वैल्यू के लिए वाई को जीरो, जीरो करोगे तो इसको काट दीजिए पहले तो दो बार ये रूट दो बार ठीक है तो वाई जीरो तो आएगा टू बाई थीटा, H, K के लिए एक्स को जीरो तो अच्छा हमें तो आर ही चाहिए तो एच और के निकाल लेते हैं सीधा एक्स को जीरो पुट कीजिए तो आएगा माइनस रूट टू बाई टेन थीटा ये एच को है बच्चों ठीक है तो बराबर थीटा थीटा कितना होगा टू बाई एच और टेन होगा माइनस रूट टू बाई के वो थीटा को एलिमिनेट करना है स्क्वायरिंग एंड सब्टिंग तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन फोर बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई वाई स्क्वायर बराबर वन यही है बच्चों आपका आंसर कौन सा ऑप्शन 4 by x square minus 2 by y square बराबर 1 दूसरा ऑप्शन ठीक है ना सही आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का होगा बच्चों सेकंड ऑप्शन क्लियर होगा सभी को चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कहा गया है लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दी कॉनिक सेटिस्फाइंग दी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो आएगी उसकी क्या करनी है बच्चों अपने को उसकी हमें की लेंथ चाहिए तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा होगा यहां से ठीक है एक्स डी वाई तो डी वाई के नीचे वाई चाहिए और डी एक्स के नीचे पर एक्स एक्स वाई से डिवाइड कर दो और इंटीग्रेट क्या आएगा एल एन वाई प्लस एल एन एक्स बराबर एल एन सी ठीक है पास करता है दो कॉमा आठ पुट कीजिए एक्स वाई बराबर सिक्सटीन दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ठीक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की क्या पूछी है बच्चों आपको लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो देखो अगर एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर ठीक है इसकी अगर आपको क्या चाहिए अगर आपको आ, इसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ चाहिए ठीक है इस टाइप का होता है ये ठीक है इसकी लेंथ चाहिए तो इसकी लेंथ कांस्टेंट होती है हमारी ठीक है और कितनी होती है ठीक है तो ये जो लेंथ होती है हमारे पास में याद कीजिए सी के फॉर्मेट में आ, या ये कहे कि आ, आपके पास में ये जो वैल्यू होती है ना सिक्सटीन ठीक है ना आ, 16 का आधा इंटू इसटी यहां पर जो भी वैल्यू होती है सी स्क्वायर ठीक है तो आप या तो ऐसे कह सकते हो कि सीधा सी स्क्वायर बाई टू इंटू ई इस फॉर्मेट में और वैसे ई e की वैल्यू आपके पास में कितनी होती है रूट टू होती है ठीक है तो सीधा भी कह सकते हैं आप अच्छा ये सी एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है और बाकी देखो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो यहाँ पर क्योंकि पॉइंट सारे पता होते हैं आपको ठीक है हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से, से ये फोर कॉमा जीरो होगा ये माइनस फोर कॉमा जीरो फोर कॉमा रूट टू होता है ठीक है इससे इधर और इससे इधर ठीक है ना इक्वी डिस्टेंस पे जब आप निकालेंगे तो ये आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिए ए टूट टू आएगा क्लियज सबको चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की ओर इसमें आप फॉर्मूला याद कर लीजिए लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का दी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस हाइपरबोला वोला सब राइट एंगल एट इट्स सेंटर देन इट्स इसेंट्रिसिटी इज देखो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दी हाइपरबोला वोला सब ए राइट एंगल लेटेस्ट रेक्टम किसी हाइपरबोला जनरल की बात चल रही है ये अगर सेंटर पर नब्बे डिग्री का कोण बनाता है सेंटर पर नब्बे डिग्री का कोण बनाता है ठीक है आ, तो क्या करना है देन इसेंट्रिसिटी तो इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी अपने को तो एक काम कर लेते हैं यहां से इसको होमोजेनाइजेशन कर देते हैं इक्वेशन को जब भी ऐसा होता है तो अपन क्या करते हैं होमोजेनाइजेशन माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लटेस्टम की इक्वेशन क्या होती है x बराबर ए बाई सो क्या करेंगे x e x बाई एस के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं अच्छा ए ई e होते हैं ना ए होता है एक्स बराबर ए तो x डिवाइड बाई ए ठीक है ना इससे डिवाइड करेंगे सो इधर आ जाएगा आपके पास में x डिवाइड बाई ए का होल स्क्वायर ठीक है ये तो हो गया हमारे पास में क्या होमोजिनाइजेशन अब अगर 90 डिग्री है तो x स्क्वायर का कॉपिशेंट 1 बाई ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर e स्क्वायर और y स्क्वायर का कॉपिशेंट 1 बाई बी स्क्वायर ये क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए बच्चों अगर ये जीरो है ठीक है तो यहां से आप आसानी से इस एंट्रीसिटी निकाल सकते हैं क्या आ रहा है देखो जीरो करने से बी स्क्वायर को ऊपर ले आइए सो स्क्वायर 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 माइनस बराबर कितना होता है देखो बच्चों ई स्क्वायर माइनस वन माइनस ई स्क्वायर माइनस वन बाई स्क्वायर बराबर वन इस इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं आंसर आ जाएगा देखो सोल्व करते हैं कितना आ रहा है LCM ले लेते हैं पहले तो ई e की पावर फोर माइनस e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर स्क्वायर प्लस वन बराबर e so e की पावर फोर माइनस थ्री e स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो तो ई e स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से ई e स्क्वायर बराबर तीन प्लस माइनस नो माइनस चार रूट पांच बटे दो देखो

इसको आप परफेक्ट स्क्वायर देखिए कौन सी चीज का है अगर नहीं पता चल रहा है तो ऑप्शंस को करके देख लीजिए है ना कि कौन से ऑप्शन है ये आ रहा है सिक्स प्लस टू रूट फाइव बाई फोर ठीक है वैसे आ इससे कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 5 1, नीचे फोर का रूट कितना हो जाएगा बच्चों टू यही होगी आपकी उत्केंद्रता कौन से ऑप्शन में दी है बच्चों रूट फाइव प्लस वन बाई टू ठीक है सेकेंड सॉरी थर्ड ऑप्शन ट्वेंटी वन का सही आंसर है हमारा तीसरा ऑप्शन क्लियर होगा सभी को चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखो 22 टू एफ ऑफ ई प्लस एफ ऑफ एफ ऑफ ई इंटू डी ई इज इक्वल टू वन से देखिए इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला तो हमें पता होता है देखो इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला प्लस इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर सॉरी कॉन्जुगेट हाइपरबोला विल बी इक्वल टू कितना होता है वन ठीक है ना आप सबने पढ़ा होगा 1 1 E2 1. पर e क्या होता है? की कॉन्जुगेट हाइपरबोला की रिलेशन यहां पर यूज कीजिए और यहां से वैल्यू फाइंड आउट कीजिए एफ स्क्वायर ई की वैल्यू क्या है कि देखो दैट विल बी इक्वल टू वन माइनस ई स्क्वायर सो ई स्क्वायर माइनस वन बाई e स्क्वायर उल्टा कर दीजिए रूट ले लीजिए so f ऑफ e बराबर e डिवाइड बाय e स्क्वायर माइनस वन ये तो आगे हमारे पास में क्या uh, f ऑफ e की वैल्यू ठीक है अब देखो आपको क्या करना है एक तो f ऑफ e चाहिए एक तो यही वैल्यू चाहिए एक से f ऑफ f ऑफ e तो वो भी निकाल लेते हैं देखो f ऑफ f ऑफ e कंजुगेट ऑफ दिस पुट कर दीजिए एफ ऑफ ई यहाँ पर आएगा तो कितना आएगा एफ ऑफ ई की जगह वापस यही वैल्यू पुट करेंगे ई डिवाइड बाई रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस वन एफ ऑफ ई का होल स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे आएगा ई स्क्वायर माइनस वन और साथ में माइनस वन इसको सॉल्व करते देखो कितना आएगा नीचे तो रूटर माइनस वन कट जाएगा ई e स्क्वायर से ई e स्क्वायर तो नीचे तो वन आ जाएगा ऊपर ई e आ जाएगा तो ये सिंप्लीफाई करके ई e ही आ रहा है एक तो ई e है और दूसरा है आपके पास में ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस वन का रूट इसको वन से रूट टू में इंटीग्रेट करना है देखो ई प्लस ई डिवाइड बाई रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस वन इसको आपको वन से रूट टू तक क्या करना है बच्चों इंटीग्रेट करना है वन से रूट टू तक बिल्कुल सही है वन so, से रूट टू तक आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं इसको मिटा देते हैं अब तो इसका तो क्या काम है कोई काम नहीं देखो पहले वाला तो बड़ा आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा बच्चों कितना आएगा ई स्क्वायर बाई टू इसमें लिमिट कर दो वन से लेके रूट टू तक प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा उसके लिए देखो ई स्क्तर माइनस वन को माना टी स्क्वायर तो ई इंटू डी ई बराबर कितना होगा टी इंटू डी टी तो इसमें नया कर देते देखो थोड़ी देर टी डी टी डि ई इंटू डी ई है ना साथ में डीई e भी था स्क्वायर माइनस वन टी स्क्वायर तो ये भी टी तो टी से टी कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा उधर से तो आएगा देखो यहां से कितना आ रहा है का इंटीग्रेशन क्या होगा सॉरी का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों वन का इंटीग्रेशन होगा टी और टी की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो कितना आएगा ई स्क्वायर माइनस वन इसमें वैल्यू पुट करनी है कहां से कहां तक वन से लेके रूट uh, टू तक पुट करते हैं देखो कितना आएगा इसमें रूट टू पुट करोगे तो टू बाई टू और वन पुट करोगे तो माइनस वन बाई टू स्क्वायर के अंदर और यहां पर कितना आएगा e तो यहां पर आएगा रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस वन इसमें वैल्यू पुट करेंगे रूट टू तो यहां से आएगा वन माइनस वन बाई टू प्लस यहां से कितना आएगा टू पुट करोगे तो वन वन पुट करोगे तो जीरो कितना आएगा वन बाई टू प्लस वन दैट इज थ्री बाई टू ऐसा ऑप्शन है क्या देखते हैं बिल्कुल है बच्चों तीसरा ऑप्शन यही है आपका सही आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू के अंदर क्लियर चलिए आगे चलते हैं बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री के बारे में ट्वेंटी थ्री में देखो क्या करना है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑफ दिस सर्कल विच आर टेंजेंट टू दिस तो सबसे पहले तो इसकी मिड पॉइंट का ये क्या है सर्कल कॉर्ड की मिड पॉइंट का क्या लोकस एच कॉम के तो so, क्या होता है t इक्वल टू एस वन एच एक्स प्लस के वाई बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या आएगा y बराबर माइनस प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर डिवाइड बाय k ऐसा आ जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी ये इस हाइपरबोला की क्या है कौन सा हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई सिक्सटीन माइनस वाई स्क्वायर बाय नाइन बराबर वन वन फोर्टी फोर से डिवाइड कर दीजिए यह और यहां पे नाइन आ जाएगा अब आपको क्या करना है देखो आपको बताना है कि ये अगर इसकी टेंजेंट है तो एच के का लोकस तो इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है सी स्क्वायर सी स्क्वायर का मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर सिक्सटीन इंटू एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर और साथ में आएगा बच्चों माइनस बी स्क्वायर दैट इज माइनस नाइन के स्क्वायर को एलशियम लेके का बराबर ऐसा जो भी ऑप्शन बच्चों आपको दिया गया है वही है आपका सही आंसर और ऐसा ऑप्शन कौन सा है थर्ड ऑप्शन सो ट्वेंटी थ्री का भी कौन सा आंसर है बच्चों तीसरा ऑप्शन क्लियर सभी को चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में क्या है लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन जीरो रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजन ऑन दी वेरिएबल लाइन दिस देखो एक लाइन है जिसके ऊपर ओरिजन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस चाहिए ठीक है ये पॉइंट क्या है बच्चों एच कॉमा के ये पॉइंट है क्या जीरो जीरो और ये जो लाइन है वो है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर वन एक काम करते हैं इस पर ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये दे रखा है तो एम वन एम टू बराबर माइनस वन लगा दे सो दैट इज के बाई एच इन टू इसकी स्लोप इसकी स्लोप कितनी है बच्चों माइनस बी बाई ए सो दैट इज माइनस बी बाई ए बराबर कितना है बच्चों माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा तो एक तो आ गया हमारे पास में रिलेशन बी के बराबर दूसरा रिलेशन क्या है कि एच को जो है वो इस लाइन पर भी लाई कर रहा है तो दूसरा रिलेशन इसमें यहां से निकाल लेते हैं दैट इज एच बाई ए प्लस के बाई बी बराबर वन ये है बच्चों हमारा दूसरा रिलेशन और तीसरा रिलेशन दे रखा है अपने को 1 बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर बराबर वन बाई फोर तो इन तीनों रिलेशन से अपने को क्या करना है अपने को बताना है कि a और b का सॉरी पॉइंट H कोमा के का लोकस क्या होगा तो एक काम करते हैं बच्चों यहां से पहले अपने को a और b की फॉर्मेट में वैल्यूज दी गई है ठीक है तो यहां से यहां पुट करते हैं और एक वैल्यू को पहले निकालने की कोशिश करते देखो सो के किसी ज पुट कर देते ए बी तो कितना आ रहा है देखो एच अपॉन ए प्लस के जगह पर किया ए एच बाई बी एक पहले से था सो बी स्क्वायर बराबर वन कितना आ रहा है देखो एलसीएम लीजिए इसके अंदर तो ए स्क्वायर इधर बी स्क्वायर सो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर इंटू एच तो यहां से एच बराबर आ रहा है हमारे पास में देखो कितना ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही के निकाल लेते हैं देखो के कितना है हमारे पास में के बराबर में क्या होगा यहां पर पुट कर देंगे एच की वैल्यू तो एच की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर एक बी से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब देखो जैसा क्वेश्चन में आ, दिखाई दे रहा है हमें एच और के के अंदर

स्क्वायर तो एक टर्म यहां से कट जाएगी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्त एक हैं एक्स स्क्सर बराबर दिया ए स्क्वायर बी स्क्र से तो यह बनेगा वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू वन बाई फोर तो फोर ऊपर चला जाएगा दैट इज फोर तो ये आ जाएगा बच्चों आपका एक सर्कल आ जाएगा जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों दो है क्या है क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सर्कल ऑफ रेडियस टू तो बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका सही है इसका जो लोकस आएगा ठीक है ना वो एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों हमारे पास में टू होगी क्लियर है चलिए इसी के साथ चलते हैं और इसके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की ओर देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें डबल ऑर्डिनेट ऑफ दिसल ट्राइंगल देखो क्या है एक डबल ऑर्डिनेट है इसका ठीक है ना और ओ पी क्यू ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक काम करते हैं बच्चों इक्वलेटरल ट्राइंगल की साइड को एल ले, ले लेते हैं और क्योंकि इक्विटरल डबल ऑर्डिनेट है तो ये और ये दोनों इक्वल ये कॉमन ये 90 डिग्री तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे इक्विलेटर है तो एंगल होता है 60 डिग्री का तो ये भी हो जाएगा 30 का और नीचे वाला भी हो जाएगा 30 का तो यहां से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे ये हो जाएंगे एल कॉस थीटा एल कॉस थर्टी एल रूट थ्री बाई टू इंटू एल साइन थर्टी एल बाई टू और ये जो पॉइंट है वो हमारा इस हाइपरबोला के ऊपर लाई करेगा इसमें पुट कर देते हैं देखो एक्स की जगह थ्री एल स्क्वायर बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर एल स्क्वायर फोर। अच्छा नीचे एक ए स्क्वायर भी है यहां बी स्क्वायर है बराबर वन तो यहां से एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी है हमारे पास एल स्क्वायर बराबर वन अपॉन थ्री बाई फोर ए स्क्वायर माइनस वन बाई फोर बी स्क्वायर अच्छा ये l स्क्वायर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है हमें पता है इसका मतलब ये पॉजिटिव कब होगा जब 3/4 a स्क्वायर माइनस 1/4 b स्क्वायर कैसा होगा ग्रेटर देन जीरो फोर कॉमन आकर के कट जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर यहां पर आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में 3 1 विल बी पॉजिटिव b स्क्वायर a स्क्वायर कितना होता है बच्चों e स्क्वायर 1 सो so 3 e स्क्वायर 3 minus 1 विल बी पॉजिटिव सो थ्री स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन तो यहां से हमें मिलेगा e विल बी ग्रेटर देन नेगेटिव तो हो नहीं सकता इसका मतलब वो 2 3 से बड़ा होगा बच्चों ऐसा कौन सा ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन ट्वेंटी फाइव का जो सही आंसर होगा दैट इज फोर्थ ऑप्शन क्लियर है सभी को इसी के साथ हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो कौन से क्वेश्चन है जो हमारे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है उनके बारे में क्या है आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है टेंजेंट्स एट अपर एंड ऑफ अ लैटस रेक्टम ऑफ दिस ठीक है इसका अपर एंड क्या होगा बच्चों a, 2a सो so, 4a 12 सो so, a बराबर कितना आएगा बच्चों 3 12 4 3 सो अपर एंड के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों a, 2a दैट इज 6 3, 6 ठीक है टेंजेंट्स एट द अपर एंड ऑफ द दस्ट रेक्टम दिस इंटरसेक्ट द एलिप्स एट दिस तो इसको नाम कुछ और दे देते हैं इसको नाम ए दे दीजिए ठीक है क्योंकि पी और क्यू तो कहां पर है इस एलिप्स को इस पॉइंट से इस एलिप्स के ऊपर जो so, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए वो पॉइंट से पी और क्यू इफ टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू ऑन द एलिप्स इंटरसेक्ट एट इफ टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू ऑफ द एलिप्स

ये होगी इस इलिप्स के इस पॉइंट के ऊपर कौन से पॉइंट पे लैटिस सेक्टम के अपर एंड पे जो टेंजेंट है वो इलिप्स को p तथा q पर इंटरसेक्ट कर रही है और दूसरा -2 अल्फा कॉमा अल्फा से ठीक है इफ टेंजेंट एट p एंड q ऑन द इलिप्स इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट p और q पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है दो बार आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो a2/b2 क्या होगा तो पहले तो वाई स्क्वायर बराबर ट्वेल्व एक्स इसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं बच्चों की इसकी टेंजेंट की तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी इसके ऊपर वाई वाई वन दैट इज सिक्स वाई बराबर सिक्स एक्स प्लस एक्स वन तो ये 6 सिक्स 6 कट जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस थ्री बराबर जीरो एक इक्वेशन तो यह है दूसरा माइनस टू एल्फा कोमा एल्फा से इलिप्स के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करते हैं तो देखो क्या आएगा t equal to 0 सो so, -2 अल्फा x a² अल्फा y b² will be equal to 1 और ये दोनों एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कौन सी इक्वेशन को दैट इज pq पर ये भी pq की इक्वेशन है जब टेंजेंट आ रही थी और ये भी pq की इक्वेशन है इसको माइनस इसको प्लस इसको प्लस कर देते हैं सो so, देखो क्या आ रहा है हमारे पास माइनस टू एल्फा बाई ए स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा प्लस एल्फा बाई बी स्क्वायर इक्वल टू सॉरी इक्वल टू वन बाई थ्री तो यहां से एल्फा से एल्फा कट जाएगा हमसे क्या पूछा था बच्चों ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर को उधर ले जाइए बी स्क्वायर को नीचे बराबर आ जाएगा बच्चों दो ठीक है ना इसको इसके जब बराबर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा दैट इज टू ठीक है तो इसका जो सही आंसर है आपको भरना बच्चों दैट इज 2 क्लियर है सभी को दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका इंटीजर टाइप का पहला क्वेश्चन था ठीक है इसी के साथ आगे चल लेते हैं बात कर लेते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन के बारे में सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया लेट अ टेंजेंट ड्रॉन टू दिस एलिप्स एट इट्स पॉइंट पी मीट्स इट्स डायरेक्ट्रिक्स एट t1 एंड t2 देखो क्या है एक एलिप्स इसके किसी पॉइंट पी पर खींची गई टेंजेंट इसकी डायरेक्ट्रिक्स को ठीक है ना टी वन तथा टी टू पर मिलती है बहुत ही अच्छी बात है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एफ वन टी वन ये पी रहा बच्चों ये एफ वन और ये टी वन इस ट्राइंगल का एरिया और क्या है बच्चों पी एफ टू टी टू पी एफ टू है बच्चों इधर और टी टू ये एरिया देखो दो एरिया है बच्चों यहां पर ध्यान से देखना एक तो इस ट्राइंगल का एरिया और एक इस ट्राइंगल का एरिया ठीक है डेल्टा वन एंड डेल्टा टू इसका नाम है डेल्टा वन एंड डेल्टा टू देन वैल्यू ऑफ डेल्टा वन अपॉन पी टी वन अच्छा देखो बच्चों अपने को पीटी वन को लेके आना है कहां पर लेके आना है पीटी वन को अपने को इसके अंदर लेके आना है तो एक काम करते हैं देखो सबसे पहले डेल्टा वन निकालते हैं सो डेल्टा वन निकालना है और पी टी वन को काम में लेना है बच्चो ना पीटी वन को काम में लेना है सो पीटी वन को काम में लेने के लिए काम करते हैं इससे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर कर लेते हैं ठीक है ना इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर नो कर लेते हैं ठीक है ना साइड के ऊपर और इस साइड से भी इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ठीक है ना इसको नाम दे देते पी वन इसको पी टू डेल्टा वन कितना आएगा बच्चों वन बाई टू पी टी वन इंटू पी टी वन इंटू p1 p1 क्या है परपेंडिकुलर f1 टू pt1 सो so, यहां से आ जाएगा डेल्टा 1 by pt1 बराबर कितना p1 by 2 ऐसे ही बच्चों दूसरे वाले में आ जाएगा दूसरे वाले में क्या आएगा डेल्टा 2 डिवाइड बाय pt2 ठीक है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी p2 by 2 आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर डेल्टा 1 by pt1 डेल्टा 2 by pt2 इन दोनों का प्रोडक्ट तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा बच्चों p1 p2 डिवाइड बाय 2 2 कितना हो जाएगा 4 अच्छा ये हम सबको पता होता है बच्चों p1 p2 कितना होता है कि cb टेंजेंट के ऊपर दोनों फोकस से ड्रॉ की गई परपेंडिकुलर लेंथ का प्रोडक्ट कितना होता है बच्चों स्क्वायर के बराबर ठीक है ना स्क्वायर कितना है 16 सो so आंसर आएगा 16 4 दैट इज 04 ये b2 के बराबर होता है प्रॉपर्टी होती है बच्चों इसको याद रखिएगा ठीक है याद नहीं है तो याद कर लीजिए बाकी यहां पर अगर आपको याद नहीं कैसे करना है तो एक काम कीजिए इसको लीजिए पॉइंट एफ वन को ए कोमा जीरो और टेंजेंट लिखिए पैरामेट्रिक फॉर्मेट में और दोनों बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो वो आ जाएगा आपके पास बीस स्क्वायर के बराबर बाकी प्रॉपर्टी होती है सबको याद होगी आई होप चलिए आगे चलते हैं बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है देखो द लोकस ऑफ दिड पॉइंट ऑफ दिटवीन पर खींची गई टेंजेंट क्या होती है एक्स सेटा बाई ए माइनस वाई टेन थीटा बाई बी बराबर वन ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब कट करती है ठीक है ए और बी पॉइंट पर लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑफ टेंजेंट इसके मिड पॉइंट का लोकस एच के आपको क्या दिया गया है ये दिया गया है तो एल्फा और बीटा निकालने चलो इसका मिड पॉइंट का लोकस निकालते हैं अपन ए कितना होगा बच्चों वाई जीरो करो फोर डिवाइड बाई सेग फोर डिवाइड बाई सेग फोर डिवाइड बाई से लिख दो फोर बाई से जीरो इधर से लिखते हैं बीटा बीटा के कितने होंगे जीरो कोमा माइनस थ्री बाई टेन थीटा ठीक है देखो अपने को क्या करना है एच स्क्वायर अपने को एच के में रिलेशन निकालना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे फोर से एक प्लस जीरो दैट इज टू बाई थीटा बराबर एच और के कितना आ जाएगा जीरो माइनस थ्री बाई टेन थीटा सो माइनस थ्री बाई टू टेन थीटा बराबर के

टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा आएगा नाइन डिवाइड बाई फोर कितना फोर के स्क्वायर स्क्वायर बराबर वन। एलसीएम ले लेते हैं, सिक्सटीन एक्स माइनस नाइन बाई वाई स्क्वायर बराबर फोर इस टाइप में आंसर आ रहा है दैट मीन्स बच्चों आपके यहाँ पर तो दे रखा है अल्फा या तो नाइन है ही यहाँ बीटा तो एक तो है सिक्सटीन और दूसरा है आपका फोर सो सिक्सटीन प्लस फोर दैट इज ट्वेंटी तो इसका जो सही आंसर दैट इज ट्वेंटी क्लियर होगा सभी को दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री आगे चलते हैं बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर की ओर फोर में क्या करना है देखो टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला टू दर्कल इफ दॉकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज

एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ऑन दाइपर हाइपरबोला टू दि सर्कल ठीक है ना इस पॉइंट से बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो आ, नहीं एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो सर्कल पर अगर आउटर साइड है the contact, तो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती है बच्चों याद कीजिए एच एक्स प्लस के वाई बराबर नाइन और साथ में ये तो अच्छा टीवल टू जीरो नहीं ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के फॉर्मेट में तो क्या होता है t इक्वल टू एस वन होता है t इक्वल टू एस वन एच एक्स प्लस के वाई बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर भाई कॉर्ड का मिड पॉइंट पता होता है तो क्या होता है t इक्वल टू एस वन अच्छा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्योंकि टेंजेंट ड्रो की गई है तो टीवल टू जीरो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो यहां से कितना आएगा देखो थ्री सेक थीटा x प्लस टू टेन थीटा वाई बराबर वन बराबर नाइन सॉरी इक्वल टू में कितना है नाइन अब देखो यहां से अपन आ, ये दोनों एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो इनका रेशियो बराबर होगा देखो थ्री सेक थीटा बाई एच बराबर होगा टू टेन k और ये बराबर होगा किसके ऐसा आ जाएगा अब यहां से थीटा और थीटा को हटा देते तो अपने को के में एक रिलेशन मिल जाएगा और वही होगा अपना लोकस देखते क्या आता है अगेन वही सेग स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल इक्वल टू कितना होना चाहिए वन सेग स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी सेग स्क्वायर की वैल्यू देखो नाइन एच बाई थ्री का होल स्क्वायर ठीक है ना नाइन इंटू एच बाई थ्री और साथ में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर उसको बाद में लिख देंगे चलो एक साथ प्लस टेन थीटा की वैल्यू नाइन के बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अच्छा प्लस नहीं माइनस इसमें क्या होता है माइनस बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर जो नीचे इसमें भी आएगा स्क्वायर इस इसमें भी आएगा उसको उधर लिख दिया अब देखो अपने को किस फॉर्मेट में दिया गया है आंसर अपने को दिया गया है एक्स स्क्वायर बाय नाइन ठीक है ना एक्स स्क्वायर बाय नाइन ठीक है ना माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर इस टर्म को इधर रखा हुआ है बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नाइन का होल स्क्वायर तो देखो ये नाइन का होल स्क्वायर ही है तो बिल्कुल इसके अंदर आ जाएगा और यहां पर बच जाएगा वन और यहां पर क्या दे रखा है आपको लेमडा दे रखा है तो कंपेयर करेंगे तो लैमडा आ जाएगा जीरो वन क्लियर तो वन इसका सही आंसर होगा ठीक है बच्चों इसी के साथ देख लेते हैं इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि वर्त ये तथा आईती अति परोले का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है देखो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आपस में कट नहीं कर रहे हैं ठीक है अच्छा ये आईती अति परोले है तो ये इसको भी कट नहीं करेगा इस टाइप में आपका रहेगा चलिए ऐसा है इसका मतलब इसका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है means x और y का कोई भी real solution नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे देखो की जगह पुट कर दिया हमने के स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर वन क्या है का? x की पावर फोर माइनस एक्स अच्छा इक्वल टू में भी कितना है के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर जीरो अगर इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है तो इसका डी कैसा होना चाहिए बच्चों? लेस और डी जाएगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा या चाहो तो कॉमन ले लो के स्क्वायर माइनस फोर फैक्ट्राइजेशन करोगे के प्लस टू के माइनस टू विल बी लेस देन जीरो क्या मिल रहा है अपने को अपने को देखो यहां से इंटरवल मिलेगा माइनस टू जीरो टू प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्यों क्योंकि पावर इवन है तो साइन सेम रहेगा तो यहां से के का जो और नेगेटिव चाहिए अपने माइनस तो टू से टू के बीच में वैल्यूज आ सकती है एक्सेप्ट जीरो क्योंकि जीरो के ऊपर क्या होगा जीरो के ऊपर डी नेगेटिव नहीं होगा डी क्या हो जाएगा जीरो और डी जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा तो फिर उसके सॉल्यूशन आ जाएंगे तो माइनस टू से टू आंसर आएगा और उसमें जीरो नहीं होगा तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज माइनस टू से टू के बीच में आते हैं -1, 0, और 1. तीन वैल्यूज आती है बट जीरो सिर्फ दो वैल्यूज ऐसी आएगी जहां पर आपको क्या होगा इसका कोई भी सोल्यूशन नो पॉइंट इन कॉमन कोई भी कॉमन पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है क्लियर है बच्चों तो इसी के साथ आपका इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया इसका आंसर आएगा टू और ये आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ओके बच्चों थैंक यू वेरी मच हेलो फ्रेंड्स मायसेल्फ नदीम टीम केमिस्ट्री आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 11 मैथ केम जिसमें आपका टेस्ट था थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर वन सेक्शन ए से विच हैज मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी एट सेम टेंपरेचर तो इंटरनल एनर्जी आप ऐसे कह सकते हैं एक, एक क्या है इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो मास पे तो डिपेंड करेगा तो किसका मास ज्यादा है इसका मास ज्यादा है इसलिए इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई ज्यादा हो गई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम टू लीटर टू 2 लीटर एंड 8 बार टू फाइनल वॉल्यूम इतना अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर तो वर्क डन भी है और फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस है तो फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस पहले निकाल लेते हैं टेम्परेचर देखो है कांस्टेंट तो so p1 v1 p2 v2 पहले प्रेशर कितना था 8 बार वॉल्यूम था 2 लीटर अब प्रेशर p2 और ये क्या पूछा है वॉल्यूम कितना हो गया तो फाइव तो लीटर हो गया थ्री पॉइंट टू बार थ्री पॉइंट टू बार अब यहां पर भी है यहां पर भी इन्हीं दो में से कोई होगा अब इसके बाद क्या पूछा है वर्क डन तो वर्क डन एक्सपेंशन हो रहा है तो इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल वी माइनस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर यस ठीक है लीटर बार में ही इसका देखो यूनिट भी है तो ये तो बार में आ ही रहा है और ये किस में होना चाहिए है लीटर में तो देख लो पी एक्सटर्नल प्रेशर कितना बोला है टू टू और वॉल्यूम वी टू माइनस वी वन फाइव माइनस टू अच्छा ये माइनस है यहां पे फाइव माइनस टू थ्री टू जा सिक्स माइनस ऑफ सिक्स लीटर बार आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट <coughs> वाला नेक्स्ट क्वेश्चन अ ऑफ एन आइडियल गैस चेंजेस इट्स वॉल्यूम फ्रॉम फोर डेसीमीटर क्यूब द अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है तो पहले देखो एब्सॉर्व कर रहा हीट क्यू की वैल्यू कितना दिया है वन थाउजेंड जूल एब्सॉर्व तो प्लस में होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है जूल में जूल में पूछा हुआ है तो आप जानते हो डी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है क्यू कितना दिया है हंड्रेड जूल अब डब्ल्यू का नंबर है तो डब्लू निकाल लेते हैं यहां से डब्ल्यू इक्वल टू इन रिवर्सिबल प्रोसेस है डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी चलो ऐसे कर लेते हैं ना तो माइनस ऑफ पीएच पीएचटनल कितना है 1.0 डीवी 6 माइनस डेसीमीटर क्यों क्या होता है लीटर ही होता है तो 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 ये हो जाएगा माइनस 3 एटमॉस्फियर लीटर एटमॉस्फियर लीटर अब इधर एटमॉस्फियर लीटर है इधर जूल है तो इसको जूल बदलना होगा ना तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ थ्री इंटू वन जीरो वन पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ये जूल में आएगा तो अब देखो ये कितना हो गया हंड्रेड अरे मतलब थाउजेंड माइनस हो गया थ्री थ्री जा नाइन पॉइंट थ्री जीरो थ्री ये आंसर हमारा आएगा डेल्टा यू का ये आंसर किसका आएगा डेल्टा यू का कर लेना प्लस में ही कुछ आएगा और जाहिर है कि थाउजेंड से तो कम ही आएगा कुल मिला के आंसर फोर्थ हमारा चला गया ठीक है थर्ड का आ जाएगा फोर्थ नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग फिजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस एट टेम्परेचर टी वन एंड टी टू ठीक है भाई ये लिक्विड है गैस है लिक्विड है सॉलिड है डेल्टा यू डेल्टा एच देखो दिया हुआ है तो अब हम जानते हैं फॉर केमिकल रिएक्शन डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी यस अब लिख करते हैं फर्स्ट वाले का डेल्टा यू वन ओके डेल्टा यू वन यू नॉट वन इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एन जी आर तो फर्स्ट वाले के लिए देखो इसकी वैल्यू कितना दिया है x माइनस इसका डेल्टा एनजी कितना होगा गैस डेल्टा एनजी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैशियस तो डेल्टा एनजी तो हो गया वन वन आर टी पहला वाला क्या आ रहा है योर एक्स माइनस आर टी ये आ रहा है एक्स माइनस आर टी वन टी वन है ना एक्स माइनस आर टी वन पहले के लिए तो पहला वाला x माइनस आर टी वन सिर्फ देखो इसमें है फर्स्ट का तो बाकी उसी तरह दूसरा वाला निकाल लेना थर्ड हो जाएगा कुल मिला के आंसर यस नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही दूसरा हो जाएगा चलो भाई एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड बोथ रिवर्सिबली एंड इरिवर्सिबली टी वन इनिशियल टेम्परेचर टी फाइनल है ठीक है तो हम जानते हैं अलाउड टू एक्सप आईसोलेटेड है मतलब एडिया बनते हो इक्वल टू तो हो, क्या होता है डी क्यू प्लस डी डब्लू अब इक्वल टू डी डब्ल्यू हो गया ठीक है एक्सपेंड कर रहा है तो एक्सपेंड करने से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है कम हो जाती है तो अपन लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी ठीक है, माइनस में आएगा या माइनस ऑफ डी यू इक्वल टू पी एक्सटर्नल डी डी वी देट इज डब्ल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं या डी यू की जगह क्या लिख सकते हैं एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ऐसे भी लिख सकते हैं अब आप जानते हो कि <coughs> रिवर्सिबल में एक्सपेंशन में रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऐसे होता है ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऐसे होता है तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क डन ठीक है वो इररिवर्सिबल से क्या होता है ज्यादा होता है <laughs> ज्यादा आएगा अब ये ज्यादा आएगा रिवर्सिबल का अगर ज्यादा आ रहा है तो नेगेटिव में नेगेटिव में ज्यादा आना चाहिए कि नहीं नेगेटिव में ज्यादा आएगा मतलब नेगेटिव में आना चाहिए तो टी इनिशियल ग्रेटर देन टी फाइनल ये रिवर्सिबल का डी यू ज्यादा आना चाहिए नेगेटिव में और रिवर्सिबल का डी यू नेगेटिव में ही आएगा बट कम आएगा तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ये नेगेटिव में जाएगा ज्यादा नेग, ज्यादा नेगेटिव किस में चाहिए हमें रिवर्सिबल में तो हम जानते हैं टी रिवर्सिबल टी जो तो अब आप यहाँ पे ये यह नेगेटिव है ना यहाँ पे अब आप इसमें मिला लो ये ऑप्शन में तो कौन सा आ जाएगा नेगेटिव हमें ज्यादा आएगा जिसका ज्यादा आएगा उसका टी इनिशियल क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए तभी तो नेगेटिव ज्यादा आएगा ना ठीक है तो आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा यहीं से मैच करा लो उसको यस yes? नेक्स्ट इसमें देखो यहां से देख सकते हैं तो डायग्राम रिप्रेजेंट पीवी वी चेंज और अब देखो ये पूछा क्या है टोटल डन दस टोटल डन तो देखो यहां से लेकर यहां तक तो <coughs> आइसोकोरिक है तो यहां पर जो W होगा वो क्या होगा जीरो अब यहां से यहां तक देखो ठीक है यहां से यहां तक यहां से यहां तक ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है एक्सपेंशन हो रहा है तो यहां से यहां तक वाले के लिए डब्लू कितना होगा माइनस ऑफ माइनस ऑफ पी टू एक्सटर्नल माइनस वी टू माइनस वी वन वी टू माइनस वी वन ये हो गया इसका फिर देखो यहां से यहां तक आइसोकोरिक कोरिक है फिर जीरो होगा यहां से यहां तक इसका देखो तो डब्लू इक्वल टू माइनस ऑफ पी थ्री वी थ्री माइनस वी टू टोटल वर्क डन ऐड कर दो इसको तो ऐड करोगे तो कुल मिला जुला कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट <coughs> देखो द डिसो सॉरी द डिजोल्यूशन ऑफ दिस इन लार्ज वॉल्यूम वाटर एंडोथर्मिक ये दिया हुआ है अच्छा इस रिएक्शन का है द हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ तो चलो इसको देखो सी देखो क्या है सी ए सी एल टू डॉट सिक्स एच टू ओ सॉलिड लार्ज वॉल्यूम मतलब ये एक क्यू लिख देता हूँ ठीक है तो ये इसका स्टेट तो चेंज हो जाएगा सी ए सी एल टू डॉट सिक्स एच टू ओ ये सॉलिड से क्या हो गया एक क्वेश्चन हो गया इसका कुछ दिया थ्री पॉइंट फाइव किलो कैलोरी दिया है किलो कैलोरी पर मोल चलो भाई इसका डेल्टा एच दिया हुआ है थ्री पॉइंट फाइव किलो कैलोरी ओके ये वाला क्या दिया है सी ए सी एल टू सॉलिड प्लस सिक्स एच टू ओ लिक्विड ये क्या बना दिया बना दिया जो भी है सी ए सी एल टू डॉट सिक्स एच टू ओ सॉलिड इसका डेल्टा एच दिया हुआ है माइनस ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू किलो कैलोरी किलो कैलोरी में ही है अच्छा आंसर भी अपना किलो कैलोरी में दिक्कत नहीं है हीट ऑफ हमसे पूछा देखो क्या है? है पूछा ये एन हाइड्रस तो पहले देखो एन सोल्यूशन में क्या होता Large में volume है लार्ज में वॉल्यूम डालते हैं वाटर का तो पहले तो देखो ये सिक्स वाटर क्या करेगा एब्जॉर्व करेगा सिक्स एच टू लिक्विड करेगा प्लस ए क्यू ए क्यू का ये पार्ट हो गया सिक्स उसको बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा हुआ है ना तो ये हो जाएगा सी ए सी एल टू डॉट सिक्स एच टू इसका डेल्टा एच चाहिए इसका हमें डेल्टा एच चाहिए ये हमारा टारगेट इक्वेशन हो गया अब देख लो इसके अकॉर्डिंग इनको सेट कर दो देखो तो भाई ये हमें चाहिए लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड है वन मौल, वन मौल, तो डेल्टा एच इक्वल टू सेम साइड चाहिए सेम साइड है माइनस और ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू प्लस अब देखो ये हमें चाहिए राइट साइड राइट साइड है साइन चेंज नहीं होगा ये हो गया कितना ठीक है अब आप इसको सॉल्व कर लो सॉल्व कर लो तो ये करीब कौन सा माइनस में ही आंसर आएगा और ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये आ जाएगा माइनस में 4 ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इसका दिया है फोर सी एच का ठीक है फोर सी एच के बॉन्ड को तोड़ने का कितना दिया है एक्स वन एक सी एच का कितना होगा एक्स वन बाई फोर जरूरत थी इसलिए कर दिया ये पूरा मतलब तोड़ने का दिया है एक्स टू मतलब एक्स टू इक्वल टू क्या है एक्स टू क्या है एक तो cc बॉन्ड तोड़ा होगा आपने और सिक्स सी एच बॉन्ड तोड़ा होगा तब जाके एक्स टू लगा हुआ एक्स टू लगा हुआ है ना अब आपसे क्या पूछ रहा है सीसी ये पूछ रहा है तो देखो cc बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू एक्स टू माइनस सिक्स इन टू का कितना है एक्स वन बाई फोर एक्स वन बाई फोर कितना होता है 1.5 तो कितना हो गया एक्स टू माइनस वन पॉइंट अब ऐसा कुछ है ये लो जी आ गया एक्स टू माइनस वन पॉइंट ठीक है नेक्स्ट चलते हैं फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इसका देखो डेल्टा एच दिया हुआ है अब पूछ रहा है 29% आइसोमर कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए यस yes? तो इसमें क्या है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो यार देखो अगर हंड्रेड परसेंट कन्वर्जन होता अगर हंड्रेड परसेंट कन्वर्जन हो गया होता तो कितना हीट टू पॉइंट थ्री एट किलो जूल बट ये कह रहा है नहीं भैया ट्वेंटी नाइन परसेंट ही कन्वर्ट हो रहा है तब कितना लगेगा 2.38 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 29 आ गया आंसर इतना किलो जूल लगेगा हीट इजी सा है सब सब एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल बना है पेपर <coughs> नेक्स्ट देखते हैं डेल्टा एचएफ मिथेनॉल अच्छा डेल्टा एचएफ नॉट है पहले तो यहां पे ना स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन भाई तो हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट देखो तो वन मोल है थोड़ा ठीक है ये भी वन मोल है ये भी वन मोल है, है. तो ये ये है आपने फॉर्मेशन ऑफ वन मोल फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट तो इसका कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है ग्रेफाइट होता है तो आंसर कौन सा हो गया थर्ड डेफिनेशन था जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ज एंथेपी चेंज फॉर फॉलोइंग रिएक्शन अच्छा इसका हमें एंथेपी चेंज बताना है इसका हमें एंथेपी चेंज बताना है। देखो सीओ टू प्लस सी डायमंड जा रहा है टू सीओ गैस में इसका डेल्टा एच बताना मिला दो इसी से तो देखो हमें इसका डेल्टा एच चाहिए डेल्टा एच एन अब देखो इस सीओ के फॉर्मेशन का दिया हुआ है तो इसमें सीओ का फॉर्मेशन हो भी रहा है जो दिया उसी से मैच करा दो अगर नहीं उल्टा हो रहा होगा प्रोसेस तो साइन चेंज कर लेना तो साइन तो सेम ही रहेगा बट हमें CO का कितना मोल के लिए चाहिए दो मोल के लिए ये कितने मोल का दिया है वन मोल का सो मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस साइन रहेगा हमेशा अब सीओ टू के फॉर्मेशन का दिया हुआ है बट यहां पे तो डीकम्पोजिशन हो रहा है तो साइन प्लस का क्या हो गया माइनस का क्या हो गया प्लस तो 393.5 किलो जूल में ही है। एक मोल, एक मोल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्लस सी डायमंड को हमें चेंज करना सॉरी सी ग्रेफाइट सी डायमंड हमें इधर चाहिए ना उल्टा हमें सी डायमंड चाहिए रिएक्टेंट रेक, साइड जबकि सी डायमंड इसमें किधर है प्रोडक्ट साइड इसको अपोजिट करने के लिए ए साइन चेंज हो जाएगा माइनस हो गया टू और यहां भी एक है यहां भी कितना है एक ही है ये ये लो जी, ये आंसर आ जाएगा हमारा कर लेना इसको ऐड, ठीक है टारगेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग बाकी सबको क्या कर दिया हमने सेट कर दिया नेक्स्ट चलते हैं हीट और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एस स्ट्रॉग पर, देखो अब दिया है माइनस फिफ्टी फाइव पॉइंट नाइन अब जब दे दिया माइनस फिफ्टी फाइव पॉइंट नाइन तो उसी से करना है आपको ठीक है किलोजूल पर मोल किलो जूल इफ द हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ HCN बाय मतलब वीक एसिड वर्सेस स्ट्रांग बेस दिया हुआ है आयनाइजेशन पुश इज तो हीट ऑफ आयनाइजेशन कितना हो जाएगा हीट ऑफ आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन 55.9 माइनस कितना हो जाएगा 12.1 ठीक है मतलब इतना हीट निकला था निकलना चाहिए था इतना मिला इतना मतलब कितना हमारा लग गया उसको आयोनाइज करने में तो निकाल लो आइडियली इतना मिलना था बट इतना मिला तो इसका जो डिफरेंस आएगा वही लगा है उसको क्या करने में आयोनाइज करने में किलो जूल में है भैया किलो जूल में ही आंसर हमारा है ठीक है तो ये कितना आ जाएगा आंसर ही आ जाएगा आंसर हमारा नेक्स्ट X is metal, that इज मेटल दैट फॉर्म एन ऑक्साइड अच्छा देखो इसके का ये डीशन <coughs> X रिएक्ट विद ओ टू ये बना रहा है एक्स टू ओ डेल्टा एज इस रिएक्शन का डेल्टा H बताना है इस रिएक्शन का डेल्टा H बताना है सही है तो एक काम कर लो अब आप डेल्टा एच बताना है एक मोल का ना तो हमें एक तो पहले क्या करना पड़ेगा इसको पलटी मारना पड़ेगा पलटी मारना पड़ेगा ठीक है और हमें इसको हाफ वन बाई फोर तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए ये हो गया हमारा ना? तो इसमें हमें इसको तो पहले तो रिवर्स करना पड़ेगा ना रिवर्स जब करोगे आप तो ये साइन तो पहले इसका चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस नाइनटी अब आपको चाहिए एक मोल के लिए और ये आधे मोल के लिए है तो इसमें टू का मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ठीक है और जब टू का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस वन एट्टी आ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस ऑफ वन एट्टी किलो जूल, माइनस ऑफ वन एट्टी किलो जूल, ठीक है कोई दिक्कत एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ओहो ये x2 सॉरी सॉरी ये गलत लिख दिया हमने गलत लिख दिया x2 है ना ये x2 होगा वेन मेटल x x ही तो है यार सही तो है ये बैलेंस कहाँ है पहले तो ये टू होगा पहले तो यहाँ पे यस और ये कितना हो जाएगा आधा तब हुआ ना वेन अरे यार। ओके ऐसे देख लो इसको ये इसको पहले तो रिवर्स करो इसको रिवर्स करो तो ये हो जाएगा X सॉलिड प्लस वन बाई फोर ओ टू रिएक्शन का दिया हुआ है X सॉलिड प्लस वन बाई फोर ये कितना हो जाएगा वन बाई टू एक्स टू ओ इसका डेल्टा एच कितना हो जाएगा माइनस ऑफ नाइनटी ये हमारे पास है अब कह रहा मोल ऑफ का पता नहीं है अगर ये वन मोलू से रिएट करेगा तब कितना निकलेगा अच्छा अब देखो वन बाई फोर से जब रिएट किया है तो कितना निकल रहा है माइनस ऑफ नाइनटी जूल तो वन से निकलेगा तो कितना होगा माइनस ऑफ नाइनटी वन बाई वन बाई फोर इंटू वन ये आ जाएगा कितना माइनस ऑफ थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी आएगा ठीक है थ्री सिक्सटी आंसर आएगा आंसर कौन सा होगा थर्ड यस नेक्स्ट चलते हैं बॉन्ड एनर्जी सबका दिया हुआ है हीट ऑफ हाइड्रोजी थान का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच 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 गि ये लो जी ये इसका डेल्टा एच निकालना है इसका हमें डेल्टा एच निकालना है कर लेते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और ये बॉन्ड बन रहे हैं तो ब्रेक होने का दिया है ब्रेक होने के टर्म लो टर्मो सीसी बॉन्ड एनर्जी के ब्रेक होने का 350 दिया पचास दिया सीसी बॉन्ड एनर्जी के ब्रेक होने का कितना दिया है 350 जबकि यहां तो बन रहा है तो माइनस पहले तो लगा दिया थ्री फिफ्टी वन मोल के लिए दिया हुआ है है मोल भी तो प्लस हो गया अब चलो सी डबल बॉन्ड के ब्रेक होने का दिया है ब्रेक हो भी रहा है साइन सेम ले लिया वन मोल के ब्रेक होने, हो होने का दिया है मोल ही ब्रेक हो रहा है सी डबल बॉन्ड सी फ्री प्लस लगाया एच एच बॉन्ड के ब्रेक होने का दिया है एच एच बॉन्ड ब्रेक हो भी रहा है तो साइन सेम ले, ले लेंगे एक मोल एक मोल तो कोई दिक्कत नहीं है फिर लगाया प्लस सीएच बॉन्ड के ब्रेक होने का दिया है इतना अब देखो यहां फोर सी एच बॉन्ड तो ब्रेक हो रहे बट सिक्स सी एच बॉन्ड बन भी रहे हैं। तो फोर सी एच बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है तो साइन तो सेम लेंगे बट सिक्स सी एच बॉन्ड क्या हो रहा है बन भी रहा है तो साइन क्या ले लिया अपोजिट तो नेट यहां पे प्लस कितना आ जाएगा माइनस ऑफ टू सी एच बॉन्ड माइनस ऑफ टू सी एच बॉन्ड तो क्या गया? आ गया आ गया इधर से ले, ले लेते हैं ऐसे आ गया माइनस ऑफ टू सी एच का कितना दिया है फोर ऑफ टेन ठीक है तो ये हो गया वैल्यू ये हो गया ये हो गया और ये हो गया ऐड कर दो इसको ठीक है ऐड करके चेक कर लेना आप यस टारगेट इक्वेशन लिख लिया करो जैसे दे रहा उसी के अकॉर्डिंग उसको मिला दिया करो बस ना नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ऑल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी चेंज इन ऑल प्रोसेस ऑल प्रोसेस में कहा होता है इंटर आइडियल गैस के लिए है भाई किसके लिए है फॉर आइडियल गैस विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी थर्मोटानिक प्रोसेस आइडियल किसके लिए है ये आइडियल आइडियल के लिए है तो सारे में तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी द चेंज द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ऑल प्रोसेस चेंज कहां होता है सभी में इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल में चेंज इंटरनल एनर्जी कितना होगा जीरो ठीक है इंटरनल एनर्जी एंट्रॉपी और स्टेट फंक्शन ये तो सही बात हो गई इंटरनल एनर्जी और एंट्रॉपी क्या होता है स्टेट फंक्शन फिर देखो द चेंज इन एंट्रॉपी कैन नेवर बी जीरो एडियाबेटिक रिवर्सिबल में जीरो ही होता है द वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो ऐसा तो गलत हो गया माइनस में भी आता है ना डब्ल्यू इक्वल टू माइनस वी टू डिवाइड बाई वन या गामा माइनस वो तो डिपेंड करता है ना

A sample of ideal कितना हो जाएगा माइनस वन बाई टू ए चलो कोई भी ले लो जैसे वॉल्यूम ले रहा हूं थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा थ्री माइनस थ्री माइनस वन तो कितना होता है टू वी इन टू इन टू ए बी ए ले लो फोर माइनस वन तो ये कितना हो जाएगा थ्री पी ये टू से तो पहले टू गायब हो गया माइनस आंसर कितना माइनस ऑफ माइनस ऑफ थ्री पी वी माइनस ऑफ थ्री पी भी कही फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एन आइडियल गैस कन्फाइंड इन अ रिजिड रिजिड इंसुलेटेड रिजिड हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया कॉन्सेंट इंसुलेटेड हो गया तो इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया Q0 W0. Q0 W0 W0 तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा जीरो ही होगा चलो नेक्स्ट चलते हैं इसका देखो इन साइक्लिक प्रोसेस कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन मैग्नीट्यूड ही पूछा है तो साइन का तो कोई जरूरत नहीं है साइक्लिक है अच्छा देखो इसमें अब होता क्या है ना कि एरिया ऑफ इलिप्स होता है सर्कल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो एरिया इक्वल टू क्या होगा पाई ए इंटू बी ठीक है मतलब आर ए इंटू आर बी ऐसे लिख लो आर ए इंटू आर बी चलो जी ये देखो जी इसका आर ये हो गया और इसका आर ये हो गया तो कितना आ जाएगा पाई वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टू रेडियस तो इतना ही होगा ना ये रेडियस कितना होगा ये रेडियस v2 टू माइनस वी वन डिवाइड बाई टू तो ये कितना होगा प्रेशर कितना होगा p2 पीटू माइनस इन टू पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाई टू ये हो गया. PV तो आंसर कौन सा चला जाएगा फिर आंसर चला जाएगा अच्छा देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये फोर हो जाएगा ना ये फोर हो जाएगा ये आंसर चला जाएगा मैग्नेट्यूड पूछा है ना मैग्नेट्यूड नहीं पूछा होता तो साइन माइनस लेना पड़ता साइक्लिक के लिए क्या लेना पड़ेगा माइनस इतना तो हो ही सकता है नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच डेल्टा एच भी दिया है अच्छा देखो ये किलो में दिया है जूल में दिया है द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस चलो भाई तो डेल्टा जी इक्वल टू तो एक काम करते हैं इसका पहले तो इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर निकाल लेते हैं ठीक है चलो देखते हैं डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस ऑफ़ टी डेल्टा एस डेल्टा एच पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ये देखना पड़ेगा ना नेगेटिव कैसे होगा टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा तो पहले इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल टी इक्विलिब्रियम डेल्टा एच बाई डेल्टा एस डेल्टा एच कितना दिया है वन सेवन जीरो इंटू टेन टू दी पावर थ्री

तो चेंज इन इंटर अब आप जानते हो इंटरनल एनर्जी क्या होता है स्टेट फंक्शन होता है इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा जीरो अरे साइक्लिक प्रोसेस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है जीरो ही होता है स्टेट फंक्शन का डेल्टा एस डेल्टा यू डेल्टा जी सब जीरो हो जाएगा ना जीरो हो गया आंसर फिर <coughs> ये था ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन

इस पर होगा बॉइलिंग पॉइंट वो हंड्रेड भी हो सकता है और हंड्रेड से ज्यादा भी हो सकता है ठीक है रिएक्शन मतलब डेल्टा जी कभी भी जीरो अरे मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता टी डेल्टा एस ऐसा कब होगा जब ये पॉजिटिव हो जाए और ये क्या हो जाए नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो कभी भी डेल्टा जी का साइन नेगेटिव में नहीं आएगा ऐसा कहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव 24 का कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इफ एंथेल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड इज एक्स एंड बॉन्ड एंथेल्पी ये दिया है वाई द रिलेशन अरे एंथेल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है पहले तो ब्रोमीन लिक्विड से जैसे किस में गया ब्रोमीन गैस में गया ना फिर उसके बाद 2br बना गैस और बॉन्ड एनर्जी मतलब br2 गैस से ये बना 2br गैस तो एक तो यहां डेल्टा h1 चाहिए और एक यहां डेल्टा h2 चाहिए तो इनका सम होगा पूरा यहां से लेके यहां तक तो जब यहां पे कम चाहिए आपको तो कुल मिला के x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा y नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स तो देखो इतना दिया है एक्सपेंड अब ये क्या है इतना मेगा पास्कल पास्कल हो गया देन ही ट्रांसफर अप्रोक्सीमेटली थर्मल प्रोसेस है तो डी इक्वल टू क्या होता है डी क्यू या क्यू प्लस डब्ल्यू अरे यार डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है आइसोथर्मल है तो ये तो जीरो हो गया q इक्वल टू क्या हो गया माइनस ऑफ w ठीक है अब देखो ये कह रहा है आइसोथर्मली एक्सपेंड है तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस p एक्सटर्नल अगेंस्ट कांस्टेंट मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है v2 माइनस v1 ये आएगा माइनस माइनस हो गया प्लस तो p एक्सटर्नल v2 minus v1 p एक्सटर्नल हमें अच्छा ये किलो जूल में है इसका बाद भी ध्यान रखना पड़ेगा ना तो p एक्सटर्नल हमारा है मेगा पास्कल में कहां गया p एक्सटर्नल ये है तो ये तो चलो आ जाएगा ठीक है वो अब देखो ये सब इनिशियल और इनिशियल प्रेशर जो है फ्रॉम इतना टू इतना अब हमें एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर तो पता है 4.3 वॉल्यूम का आता पता नहीं तो वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा ना तो P इनिशियल तो V इनिशियल इक्वल टू एन आर टी सो V इनिशियल कितना हो जाएगा N दिया है कितना फाइव R की वैल्यू कह रहा है जूल में ही निकाल लो ठीक है या हम R की वैल्यू रख के लास्ट में हम कर लेंगे ठीक है लास्ट में कर लेंगे इसको जूल में यस R की वैल्यू 0.082 पॉइंट जीरो एट टू टेम्परेचर कहा गया टेम्परेचर टू नाइनटी थ्री

293 है है हाँ। और P2 कितना हो गया 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 था अरे यार है, ये है. 1 से 1. 3, ये से अब आप देखो V1, V2 आ गया? V1, V2 आ रख रख के के इसमें क्या करोगे वन जीरो का क्या कर दोगे मल्टीप्लाई तो ये जूल में आएगा जबकि पूछा किसमें है किलो जूल में तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा थाउजेंड मेगा पास्कल को वैसे एक बार बताओ पास्कल जो होता है ना वो जूल ही होता है पास्कल क्या, पास्कल क्या होता है जूल में ही होता है न्यूटन पर मीटर वाले में होता है तो एक काम आप कर सकते हो कि ये जो आएगा ना ये पास्कल में ही आएगा पास्कल और किस में आएगा पास्कल और लीटर में आएगा पास्कल और लीटर में आएगा ठीक है तो सीधे ही हमारा हो जाएगा ये आंसर मतलब आप मेगा को मेगा को पास्कल में कन्वर्ट कर लो और वहां पे इसको करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी इसको जरूरत नहीं पड़ेगी करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी पास्कल पास्कल में ही ही है 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 ना तो पास्कल जूल ही है। किलो जूल होता किलो चुकी करना है हमें तो किलो जूल करना है तो इसको डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा डिवाइड पड़े। था क्या करना पड़ेगा थाउज कैलकुलेशन थोड़ी है इसमें ठीक है आप देखोगे एनटी में एक क्वेश्चन तो इस टाइप के आ जाते हैं कैलकुलेशन वाले तो है तो मतलब बिल्कुल बेसिक से ही बट थोड़ी कैलकुलेशन है नेक्स्ट देखो फॉर गिवेन केमिकल रिएक्शन ए टू बी फ्री एनर्जी चेंज दिया है एंड एनथेलपी चेंज भी दिया है देन द इसमें क्या हो गया डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस फ्री एनर्जी चेंज है किलो जूल माइनस फोर नाइन फोर किलो जूल डेल्टा एच है फिफ्टी वन पॉइंट फोर किलो जूल में ही है माइनस टेम्परेचर टेम्परेचर कितना है थ्री हंड्रेड इन टू डेल्टा एस अब डेल्टा एस का भी आएगा तो किलो जूल में ही आएगा इसको सॉल्व करो अब बैठ के तो डेल्टा एस जो आएगा वो जो भी आएगा वो किस में आएगा किलो जूल में ही आएगा ना लेकिन पूछा किस में है जूल में पूछा है तो या तो यहीं पे चेंज मार दो इसको या तो यहीं पे चेंज कर लो एक किलो जूल में ना इसको टेन टू पावर कितना हो गया थ्री यहाँ पर कितना हो गया किलो हटाओ टेन टू पावर थ्री से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे तो अब तो जूल में हो गया ना तो डेल्टा एस डायरेक्ट यहां से क्या आ जाएगा जूल में आ जाएगा यस कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको हल्का फुल्का इफ द स्टैंडर्ड मोलर एन्थैल्पी चेंज फॉर कंबशन ऑफ ग्रेफाइट पाउडर दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड अच्छा ठीक है ग्रेफाइट पाउडर चलो ग्रेफाइट हो गया प्लस ओ2 हो गया ये क्या बनाएगा CO2 अब किलो जूल पर मोल एक मोल के लिए दिया हुआ है एक मोल का दिया है हीट ऑफ कंबशन द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड जनरेट बोल दिया तो साइन लेने की जरूरत नहीं है अब ना 1 ग्राम ग्रेफाइट अब देखो 12 ग्राम को जब किया तो कितना हीट हमें मिला है 2.48 10 टू द पावर 2 किलो जूल है किलो जूल में ही बताना है हमें यस तो आपको एक ग्राम से कितना मिलेगा एक ग्राम से 2.48 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 12 किलो जूल इतना मिलेगा ठीक है 2 के आसपास आंसर आना चाहिए 2 के टर्म में मतलब 2 के टर्म में आंसर आएगा तो थर्ड या फोर्थ में से कोई आ जाएगा कैलकुलेशन आपके पास है थर्ड थर्ड के आसपास आ जाएगा थर्ड थर्डर थर्ड आंसर आ सकता है नेक्स्ट ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऑफ इथेनॉल सी टू एच फाइव ओ एच लिक्विड दे रखा है प्लस ओ टू गैस ये दे देगा क्या सी ओ टू गैस प्लस एच टू ओ बोल भी रखा है कि लिक्विड है पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं ना बैलेंस करो दो हो गया तो इधर टू हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन फाइव एंड थ्री थ्री ये हो गया सिक्स हो, हो, हो गया अब ऑक्सीजन की बारी है तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं सेवन और इधर है थ्री इधर थ्री कर दें अगर थ्री टू या सिक्स सेवन सेवन हो गया ना अब देखो द हीट ऑफ कंबेशन विथनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मतलब आप जानते हो क्यू इक्वल टू क्या होता है प्लस डेल्टा हीट एट किलो कैलोरी में दिया हुआ है हीट इवॉल्ड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ये निकालना है किलो कैलोरी में है तो इसका किलो चाहे तो हटा दो आप तो माइनस ऑफ थ्री टू सेवन इन टेन टू दी पावर थ्री इक्वल टू क्यू वी हमें निकालना है डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा टू माइनस थ्री माइनस ऑफ वन हो गया पहले तो डेल्टा एनजी आर कैलोरी में टू हो जाएगा इन टू टेम्परेचर दिया होना चाहिए 27 है तो ये कितना हो गया हमारा यहां से हम क्या निकाल देंगे क्यू वी ओके डेल्टा यू इज इक्वल टू फॉर आइडियल गैस किस वर्क के बराबर होता है ना एडियाबेटिक वर्क एडियाबेटिक है पहले तो ये बैटिक है एडियाबेटिक ये ए है आइसोबारिक वर्क तो देखो आप डेल्टा u डेल्टा u इक्वल टू तो क्या होता है q w यही आ जाएगा वैसे तो आंसर थर्ड एडियाबेटिक में इसकी वैल्यू क्या होती है जीरो तो डेल्टा u किसके बराबर हो गया वर्क आंसर कौन सा हो जाएगा एडिया बेटिक वर्क नेक्स्ट चलो भाई सेक्शन डी में हम लोग पहुंच चुके हैं अब टेम्परेचर ऑफ वन कैलोरी कैलोरी की थोड़ी स्पेलिंग गलत है ना स्पेलिंग सही नहीं है टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ हीलियम गैस इज इंक्रीज बाय हेंस इंक्रीज इंटरनल एनर्जी कैलोरी सो डी यू इक्वल टू क्या होता है एन एन वन मोल है सी बी मोनोटामिक के लिए कितना होता है थ्री बाई टू आर डी वन डिग्री इंक्रीज किया है तो चेंज इन टेम्परेचर अब कैलोरी में बताना है हमें तो थ्री बाई टू कैलोरी में आर की वैल्यू कितनी होती है टू आंसर कितना हो जाएगा इसका थ्री चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा थ्री नेक्स्ट देखते हैं लैटिस एनर्जी लैटिस एनर्जी हमारा दिया हुआ है और एंथेल्पी ऑफ हाइड्रेशन दिया है एंथेल्पी हे मैग्निट्यूड ऑफ हीट ऑफ सोल्यूशन मैग्निट्यूड ऑफ हीट ऑफ सॉल्यूशन ठीक है तो देखो लैटिस एनर्जी होता क्या है तो लैटिस एनर्जी इक्वल्ड होता है या हीट ऑफ हाइड्रेशन प्लस हीट ऑफ सोल्यूशन हीट ऑफ सोल्यूशन ट ऑफ हाइड्रेशन प्लस हीट ऑफ सोलूशन तो अब पूछा क्या है हीट ऑफ सोलूशन तो लाइटिस एनर्जी कितना दिया है सेवन एट एट माइनस कर दो सेवन एट फोर आंसर कितना फोर आना चाहिए इसका एट्टी फोर हाँ फोर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट है एनथेलपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉली बेसिक पॉलीबेसिक एसिड एंड ऑल इट्स प्रोटोन न्यूट्रलाइज ऑल्सो ये सब दिया हुआ है इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल पॉलीबेसिक एसिड बिन ऑल द प्रोटोन न्यूट्रलाइज इतना और देखो इसका डिसोसिएशन है हाँ डिसोसिएशन दिया हुआ है बेसिसिटी तो कुछ नहीं करना होता है इसमें तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्लस हीट ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू Equal to, अब देखो ये किलो जूल में दिया तो किलो जूल में कितना होता है 57.1 क्या होता है n फैक्टर n फैक्टर ये लगा लो आप सीधे-सीधे हो जाएगा तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना है 150 होता है हीट एवोर्ड किलो जूल में है किलो जूल किलो जूल किलो जूल ठीक है किलो जूल में ही आएगा प्लस हीट ऑफ डिसोसिएशन इज 17.4 57.1 n फैक्टर अब जितना एन फैक्टर होगा उसकी बेसिसिटी के बराबर होगा तो देखो भाई इसको प्लस करके और इससे डिवाइड कर दो तो कितना हो रहा है दोन पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई फिफ्टी सेवन पॉइंट वन इन टू एन फैक्टर तो ए आ रहा है हमारा एन फैक्टर इसका आ रहा है थ्री थ्री आ जा रहा है न? जो एन फैक्टर होगा भाई उसकी क्या होगी बेसिसिटी हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन अच्छा इसका देखो डेल्टा एच माइनस डेल्टा डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या होता है डेल्टा एन जी आर टी तो डेल्टा एन जी टू माइनस थ्री माइनस ऑफ वन आर टी माइनस ऑफ वन आर टी की जगह क्या दिया है माइनस ऑफ एक्स आर टी माइनस ऑफ एक्स आर टी इक्वल टू माइनस ऑफ वन आर टी जो किस में जा रहा है वैपर में। एट वन एटमोसफियर डेल्टा एच इसका दिया हुआ है टेम्परेचर भी दिया हुआ है फाइव हंड्रेड कैलवीन और इसका डेल्टा हीट ऑफ वैपराइजेशन भी दिया हुआ है टेन किलो कैलोरी दिया होगा वॉट विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी थ्री मोल ऑफ लिक्विड इज चलो कोई बात नहीं तो देखो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है डेल्टा ई e प्लस डेल्टा एन जी आर टी तो इसका डेल्टा एच दिया है पर मोल का दिया हुआ है किलो कैलोरी में तो हमें निकालना भी वैसे किलो कैलोरी में ही है तो चलो ठीक है तो ये डेल्टा एच डेल्टा एच पहले तो लिख देते हैं डेल्टा एच इसका कितना दिया हुआ टेन किलो कैलोरी एक मोल का तो एक मोल का यहां भी निकाल लेते हैं डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी कितना होगा हो जाएगा आर कैलोरी में टू आ गया कितना दिया हुआ है टेम्परेचर हो गया 500 केल्विन ठीक है इसका किलो हटा लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो ना किलो हटा लेते हैं एक बार टेन टू पावर थ्री यहां से डेल्टा ई आएगा वन एक दो तीन माइनस थाउजेंड माइनस कितना हो गया थाउजेंड ठीक है ये डेल्टा ई किस किसके लिए आया है ये डेल्टा ई आया है वन मोल के लिए फॉर वन मोल फॉर वन मोल और वो भी किस में आया है कैलोरी में आया है ठीक है तो थ्री मोल के लिए थ्री मोल के लिए कितना हो जाएगा अरे से से लो. दस हजार में से नाइन हजार नाइन थाउजेंड हो गया नाइन थाउजेंड हो गया एक मोल का थ्री मोल का कितना होगा थ्री मोल का थ्री का हो गया अब ये अभी आया है थावजन्ट, थावजन्ट थ्री, ये कैलोरी में आया है। और हमें चाहिए किलो कैलोरी में तो डिवाइडेड बाय क्या कर दिया मैंने थाउजेंड तो ये हो गया किलो कैलोरी था टोलो तो तो को मिला के कि आंसर कितना हो गया ट्वेंटी आंसर कितना हो गया भैया ट्वेंटी सेवन

हमें इसका डेल्टा एच निकालना है ठीक है तो देखो ये मीथेन का कंबशन का कितना दिया है इतना कंबशन न होकर इसका क्या हो रहा है फॉर्मेशन। साइन चेंज करो तो टू वन टू हो गया प्लस ग्रेफाइट के कंबशन मतलब रिएक्टेंट साइड होगा ये रिएक्टेंट साइड है भी साइन वही रहेगा ग्रेफाइट का तो माइनस नाइनटी फोर प्लस मीथेन सॉरी हाइड्रोजन के का दिया है एक मोल का दिया है जबकि हमें कितना चाहिए दो मोल खैर रिएक्टेंट साइड होना चाहिए रिएक्टेंट साइड है माइनस में यस yes. ये अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसकी वैल्यू कितना दिया है माइनस ऑफ एक्स बाई टू अब आपसे पूछा क्या है एक्स तो टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबल है कि आंसर किस में आएगा माइनस 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 से कट जाएगा ठीक है तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या द वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, यस? Yes? सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसेस बीच इतना हीट रिलीज पहले तो कर रहा है तो क्या पूछा है वैसे तो चेंज इन ऑफ़ द टू एक्स तो देखो डी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है क्यू कितना दिया है? 200 जूल हीट रिलीज किया है तो माइनस ऑफ 200 हो गया प्लस वर्क डन बाय द सराउंडिंग वर्क डन बाय द सराउंडिंग ठीक है तो सराउंडिंग अगर कर रहा है वर्क डन तो किस पर कर रहा है सिस्टम पर तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया कि नहीं वर्क डन ऑन द सिस्टम इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा तो ये कितना है 300 जूल कुल मिलाकर ये कितना आया 100 जूल 100 जूल आ गया हंड्रेड जूल आ गया अब इसकी वैल्यू कितना दिया है टू एक्स दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हंड्रेड बाई टू आंसर कितना आ गया जूल ठीक है यस इन जूल जूल कर देते हैं ना जूल में ये लिखना पड़ेगा ना इन जूल होना चाहिए ना तो ये जूल में ही आएगा फिफ्टी जूल आएगा नेक्स्ट देखते हैं मोनो मोनोएटॉमिक गैस इज सडनली कंप्रेस टू इतना वॉल्यूम एडियाबेटिकली रेशियो फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर तो हम जानते हैं कि किसका है वॉल्यूम का और प्रेशर का तो पीवी पावर गामा इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट ठीक है मोनोएटॉमिक सडनली कंप्रेस रेशियो फाइनल प्रेशर ठीक है तो हम जानते हैं पी वन बाई पी टू इक्वल टू वी टू बाई वी वन पावर गामा यस गामा आएगा इसे अब चलो रेशियो बताना है पी रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर बताना है फाइनल प्रेशर टू इनिशियल मतलब P2 टू बाई पी बताना है तो ये हो जाएगा V1 वन बाई पावर गामा यस, फाइनल प्रेशर प्रेशर। टू इनिशियल अब गामा अच्छा चलो अब वॉल्यूम पहले से कितना हो गया 1 8 हो गया। तो देखो पी टू बाई पी वन इक्वल टू वी वन तो था वी टू जो हो गया वो वी वन बाई कितना हो गया एट एट ऊपर चला जाएगा पावर गामा तो P2 टू बाई पी वन इक्वल टू एट पावर गामा 8 पावर कितना हो जाएगा गामा हो जाएगा अब गामा हमें रखना किसका मोनोटामी का तो मोनोटामी का गामा कितना होता है P2 by P1 equal to 8 पावर 5 by 3 होता है इसका क्यूब लोगे 2 आएगा 2 के पावर 5 2 the power 5 ये कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 the power 5 32 आ जाएगा 32 32 आ गया ठीक है डेल्टा जी दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इतना डेल्टा जी दिया हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है तो कर लो तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री आर टी लॉग ऑफ के डेल्टा जी कितना दिया माइनस फोर पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स किलो कैलोरी है किलो पहले तो है तो टेन टू दावर थ्री हो गया माइनस टू पॉइंट प्लस टू सेवेंटी थ्री कितना होता है भैया ये हो गया जीरो सात दो नौ पांच हो गया ठीक है ये हो जाएगा हमारा फाइव हंड्रेड और ये आ गया लॉग ऑफ के अब देखो इससे ये ये और इससे ये कट जाएगा तो ये हो गया टेन टू पावर थ्री डिवाइडेड बाई फाइव हंड्रेड ये कितना आ रहा है लॉग ऑफ के ये थाउजेंड है तो ये आ जाएगा टू लॉग ऑफ के एंटी लॉग लो टेन टू पावर टू लॉग ऑफ सॉरी टेन टू पावर टू क्या हो गया के हो गया तो के वैल्यू कितनी आ गई हंड्रेड K की वैल्यू कितनी आ गई 100. एक्स ही निकालना है वैल्यू ऑफ इक्म कांस्टेंट फॉर टू एक्स अच्छा टू एक्स है वैल्यू so, so, कितनी आ गई 50, 50 ठीक है नेक्स्ट चला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 10 द एवरेज पर्सन नीड कितना किलो जूल एनर्जी पर डे द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ग्राम नीडेड टू मीट दिस एनर्जी 10x देन द वैल्यू अच्छा हीट ऑफ कंबशन देखो दिया हुआ है नीडेड द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज देखो तो अपन कह सकते हैं कि 27 00 किलो जूल है किलो जूल में ही है चलो कोई दिक्कत नहीं है किलो जूल हीट हमें मिलेगी जब बर्न कितना होगा 180 ग्राम ग्लूकोज पर मोल दिया हुआ ना तो इतना अगर आपको चाहिए वन टू थ्री फोर जूल तो कितना ग्राम बर्न करना पड़ेगा 180 एट्टी डिवाइडेड बाई टू सेवन डबल जीरो इंटू इतना ग्राम बर्न करना पड़ेगा और वो बोल रहा है इन ग्राम 10x है इन ग्राम कितना है टेन एक्स ठीक है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स तो निकाल सकते हैं यहां से X निकाल लीजिए कैलकुलेशन करके ठीक है तो ये सारा हमारा था भाई सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए और सारा एनसीईआरटी बेस्ड ही था एक कैश क्वेश्चन में मे भी कैलकुलेशन रहा होगा तो इस पेपर में आपको कम से कम मतलब कम से कम और ज्यादा ज़्यादा ज्यादा तो सारे ही हैं कम से कम 40 क्वेश्चन में आपके सही कितने होने चाहिए 39 तो सही होनी चाहिए कितना जान लो जिस टाइप का बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड जिस तरह का पेपर है बहुत लोगों का हुआ होगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में थैंक यू वेरी मच